और दहेज में मिली स्कूटर दोनों ही पुरानी हो जाने पर खटार हो जाती है। बस धकेलते रहो, दोनों को बदल नहीं सकते। अरे कमबख्त स्कूटर को खींच खींच कर दुबला हो गया। अबे क्या करूं? अबे छोटे, क्या हुआ मोटे? ये स्कूटर का हार्ट फेल हो गया, आगे देख तो सही। अरे छोटे, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, मेरे बाप, आके देख तो सही। रुक जा, आ रहा हूँ। इस नए जमाने में भी ये कटारा चला रहा है? अबे ये कंपनी तो मेरे पैदा होने से पहले ही बंद हो गई थी, इसका पार्ट तो चाइना भी नहीं बनाता। अबे चुप, तू बनाएगा या नहीं? उधर देख मोटे, नहीं है। वैसे जक्कास बाइक इधर ठीक होने को आती है, वो भी वेटिंग में है। मेरा बॉस लेटेस्ट मॉडल के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। बच्चा समझा है क्या? एक बेच दे इसको। सुना, ये क्या कह रहा है? अपने सेलफोन को सेलफोन बनाओ, बेच डाल, तेरा मैटर हमेशा के लिए सॉल्व। अरे कौन है रे तेरा बॉस, जो धूम के विलन से भी तेज है? विलन नहीं, हीरो है। उसकी एंट्री देख। किधर गया तेरा हीरो? अब और कितना वेट करना पड़ेगा? लो आ गया अपना हीरो। लेट है पर सेट है। अगला अपुन चलना, तूने अपुन के रेस का अक्का टाइम खराब कर दिया है। अरे बिड़ू, अभी भी बहुत टाइम बचेला है, उसी में रेस करके देखते हैं अपुन। कोई जीते कोई हारे वो जरूरी नहीं है, रफ्तार देखना मांगता है, जो चुटकी में बोरीवली से चर्च गेट पहुंचा दे। अरे चलना, भंकस मत कर, रेस का करनी है बता। इधर इच शुरू और इधर इच खल्लास। और मिलेगा क्या? बाइक और पैसा। कितना? एक रुपया। अपन हारा तो बैठ ले कहीं की, अगर हारा तो तेरा बाइक इधर ही छोड़ के मामू की बारात में शहनाई बजाने का और भजन गाने का। शहनाई है क्या? रुपल्ली के लिए अपुन गाड़ी दाव पर नहीं लगाएगा, एड़ा समझा है क्या? करेक्ट, रिस्क में तो किक है, एड़ा बन के पेड़ा खा, नहीं तो बड़ा पाप भी नहीं मिलेगा तेरे को। बात तो ठीक है, पर थोड़ा तो बड़ा रकम जितना बोला उतना ही रहेगा, अगर हिम्मत है तो बाजू में आ। अरे ये तो लॉरेंस है। चक्कास, वेलकम भाई। हाँ थैंक यू। यहाँ पर कैसे, फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? ज्यादा उड़ रहा है ना तू, चल आज तुझे मजा चखाता हूँ। माफ करना सर, ये फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये सचमुच की रेस है। जरा सा हिले नहीं कि धूल में मिले नहीं, बाइक अस्पताल में और तुम गैराज में पहुँच जाओगे। सोच लो भाई। देखो अगर हिम्मत है तो डटे रहो, वरना डरते हो तो मेरे पीछे बैठो। हिम्मत भाई लोग, बड़ा पाव रेडी रखना, अपन जीत के आया।
छे, साला गधा है। फिनिशिंग लाइन पर आकर ब्रेक लगाने की क्या जरूरत थी? मुंह काहे को लटकेला तेरा? साली खटारा कहीं की। तू सोच रहा होगा कि लड़की लोग का स्कर्ट उड़ा के बस को बाजू में लगा के इतना फास्ट चला के लाइन पे आके ब्रेक काहे को लगाया मैं? जानता है तेरे को क्या लगता है कि टायर और लाइन के बीच का गैप पूरा करना ही जीत हार होता है क्या? ऐसा नहीं है। दूसरों के माफिक बाइक हारने का डर से तू ये रेस छोड़कर कल्टी नहीं लिया, इसने अपुन का मन जीत लिया। अब उनको ये चापलूस लोग अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो मेरी तरह खतरों से टकराता है ना, अपुन उसका सलाम करता है। अपुन के साथ रेस करना जिगर का काम है, और जिगर वाला खतरों को ठोकर मारता है। हाँ, एक और जरूरी बात, कमजोर को हराना अपुन का स्टाइल नहीं है। तो फिर ये रेस किसने जीती, तूने या मैंने? अपन दोनों ने। तो खूब सारी तरक्की करे, भूलना मत सीधे इंटरव्यू पर जाना, किसी लड़की के पीछे मत जाना। इस बार मैंने ठान लिया है कि ऑफिस खुलने के 5 मिनट पहले ही पहुंचूंगा। हाय निठल्ले। हाय निकम्मे, इधर कैसे आया? बड़ा झगास लग रहा है। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा सुन, टीवी पर बाबा लोग जैसा राशिफल बोलता है ना, वैसा ही करने का, तभी काम सफल होता है। हाँ, राजा बिल्कुल ठीक कहता है, टीवी चालू कर। हाँ, करो करो, केबल के पैसे दिए कि नहीं? बिच्छू राशि वाले, अरे ये तो मेरी राशि है। उनका आज का दिन बहुत खराब है, जिंदगी को डंक लग सकता है। हा? इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुना? अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका राम नाम सत, नए लोगों से मिलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके चक्कर में देर हो जाएगी। यात्रा पर निकलते ही यमराज से मीटिंग होगी, वो लॉरी या ट्रक या बस की शक्ल में आकर आपसे टकराएगा और टायर के नीचे कुचल देगा। तू आज कहीं मत जा, तू घर पर ही रह। और आपके ऊपर उन जानवरों का श्राप है जिनके चमड़े से पहनने की चीज बनती है। चमड़े की चीज तेरे लिए ठीक नहीं है, आप इसका जूता उतारिए, मैं इसकी बेल्ट उतारता हूं। ना याद रखिए, रंगों का असर बहुत भारी पड़ेगा, लाल रंग नीला रंग ना ही पहनो तो अच्छा है, नहीं तो मार पड़ेगी। इन कपड़ों के बिना मैं फिल्मों का आइटम बॉय लगूंगा। मुन्ना हुआ आज इनके लिए। एकदम, उसके लिए तो चड्डा भी उतारना पड़ेगा, चल उतार दे। इतनी बदनामी भी ठीक नहीं है, ये मेरे नाना की निशानी है, माँ को दहेज में मिली थी। पट्टेदार जांगे की वजह से इज्जत भी जा सकती है। अब ये भी उतारूंगा तो सेंसर वाले घर पे आ जाएंगे। चड्डा तो रहने दे यार। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, किसी दिशा में नहीं जा सकते। फिर तो संडास की दिशा के अलावा और कोई दिशा नहीं। हिलने की कोशिश नहीं करना, वो हमारे कब्जे में, चल माल निकाल। साले खुद के दिन तेरे खराब चल रहे हैं और दूसरों को सिखा रहा है। इस टीवी स्टेशन की दशा खराब हो गई है, इसलिए ये प्रसारण बंद हो रहा है। अरे वाह, ये साले मेरी मुलाकात यमराज से करवा रहे थे और यमराज खुद इनके बगल में खटिया डाल के आइसक्रीम खा रहे थे। इन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए, इनके चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। मम्मी अबे निकम्मे, मुझे नंगा छोड़ के कहा जा रहा है? तू खुद को पढ़ा लिखा कहता है ना, साइंस जानता है, कंप्यूटर जानता है, फिर भी ज्योतिष पर यकीन करता है। उसने कहा और तूने मान लिया? अब तो तेरा भगवान ही भला कर सकता है। भला मेरा होगा और बुरा तेरा। अच्छा बेटा, टीवी वाले अपना भविष्य नहीं दिखाते? कहाँ दिखाएंगे, ये तो हमारा दिखा के मजे लेते हैं। रुको रुको, यही रुको, ये लो। आजा आजा, बाहर आजा। मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। अच्छा अच्छा, देख तो, 3 फीट के ऑटो से 6 फीट का डंडा निकला है, साथ में 4 फीट की गिल्ली भी है। शुक्रिया सर। मैं बताता हूँ, यहाँ रख कर वहां मारोगे तो उस पॉकेट में रहेगी। मैं बताता हूँ, वहां रखकर इसमें मारोगे तो यहाँ से टकराकर इसमें जाएगी। अब ट्राई करो। कहाँ से आए? गांधीनगर। तब तो नोट पर गांधी की जगह तुम्हारा फोटो होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गांधीनगर से है। अच्छा, करते क्या हो? मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ। अभी गराज पेंट नहीं करवाना उनको? नहीं नहीं नहीं, मैं ड्राइंग मास्टर हूँ। आगे पास में जो स्कूल है ना, उसमें पढ़ाने आया हूँ। ये साइड इफेक्ट कौन है? ये मेरी वाइफ है, नागलक्ष्मी। फन मारती है क्या? जहरीली नहीं है, मैंने इस इलाके में घर किराए पर लिया है। अंदर जाना है नहीं तो दूध फट जाएगा। निकालो, इन्हें पैकेट दिखाओ। अंडा नहीं खरीदा क्या? नहीं लिया, पर क्यों? अरे नाग लक्ष्मी को नाश्ते में दूध के साथ अंडा नहीं खिलाओगे क्या? अरे तुम समझे नहीं। ए रुक, या तो तू अटेला है या अपुन। ये पेंटिंग के बीच में सांप कहां से घुस गया?
अपुन के थोपड़े पे भूतिया लेकर गया, कट यहाँ से, नहीं तो क्लच तोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। एडवांस देकर घर लिया है, अंदर जाना है तो इसलिए। अगर तो मुझसे क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, अगर आप अपना ये कैरम बोर्ड थोड़ा सा उधर क्यों उठाऊं? वो क्या है ना कि मुझे ताला खोलना है। अच्छा, ओनर कहाँ है? मैं इधर हूँ राजा। क्या करते हो अंकल, पहले काहे को नहीं इन्फॉर्म किया? वाल खड़े तमाशा देख रहे हो? क्या करता भाई, खेल रुकवा देता तो पिट जाता। ए, चल हटा बोर्ड। यमराज, मैं पार्किंग लॉट में हूँ, तुम किधर हो? मैं भी यहीं पर हूँ। शिकार का पता तो है ना? TN01 T551। देखो, मेरी पार्टी के हाई कमांड ने तय किया है कि उसे मेरी सीट से खड़ा करेंगे। अगर उसे सीट मिली तो सारे राज खुल जाएंगे। मिनिस्टर बने रहना जरूरी है। घोटाले करने के लिए उसकी कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी तो होनी है, चाहे मेरी हो या उसकी। तो फिर उसे ही कुर्बान कर दो। मैं तो उसे मार दूंगा, लेकिन कमिश्नर को कौन संभालेगा? ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो, किससे बात करनी है बे? बात नहीं करनी है, अकल देनी है तुझे। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और फौरन गांव निकल जा। कौन है बे तू? यमराज। कौन यमराज रे? नाटक कंपनी में काम करता क्या? अगर तूने नाटक किया तो तुझे नरक में भेज दूंगा। मौत का बिजनेस है मेरा। अब की सरकार में तेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए तू फौरन निकल ले। अरे तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। अपनी पार्टी से सीट के लिए मना कर दे। मना नहीं किया तो? भगवान बुद्धि दे इसको। कॉफी लीजिए, कॉफी लीजिए। पेपर पढ़ने दो मुझे, ठंडी हो जाएगी। अरे लक्ष्मी, पेपर पढ़ने के बाद पीता हूँ ना, पहले कॉफी। अरे चला दिया। अरे चिल्ला क्यों रहा है? क्या, अरे मैं कब चिल्लाया? कोई मुझे चाय तक पूछता नहीं है, अंदर नौटंकी चल रही है। कॉफी पीकर पेपर पढ़ लीजिए। ए, इसको बोलते हैं शादी? पतंग का पीला मांझा गले में बांध दिया, हो गई शादी, बाद में लफड़ा ही लफड़ा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाई, ऑफिस जाते वक्त टाटा बाय बाय करने का और वापस आने के बाद हाथ पे चुम्मा चाटी करने का, बहुत लफड़े हैं भाई। चल साइकिल देना। ए आर्टिस्ट, बात नहीं बनी? हाथ जला दिया उसने मेरा, हद करती है। देख तो बाबा, बीवी की शिकायत अपुन से कर रहा है। अरे कल रात को इस एरिया का पावर कट था, लेकिन इसके घर में बिजली का करंट दौड़ रहा था। कई दिन से फिराक में था कि कब खिड़की खुली मिले और अच्छा। नहीं, अंदर जाओ। नहीं आओगे? जाओ। I love solid chemistry है दोनों में। ए खजूर, बकवास बंद कर। ए, क्या प्रॉब्लम है यार तुम लोगों का? ये रोज रोज झगड़ना अपुन को अच्छा नहीं लगता। ए आदेश, जा यार, तेरी ये नाग लक्ष्मी जहरीली हो गई ना, तो तू तो खलास। उन्होंने कैरम बोर्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तू चुपचाप देख रहा है? जा उनके बैंड बजा दे, चल। 1 2 3
ए, क्या रे हीरो है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अपुन किधर हीरो? अपुन तो बस आपका आशीर्वाद लेने आए। चल बहुत हो गया, आप कल्टी का चल। कल्टी तो अपुन खा लेगा, पर अपुन का पैसा कौन देगा? क्या बोला, पैसे? मजाक कर रहे क्या? छी, अपुन जोकर के साथ कैसे मजाक कर सकता है? जिसको फोड़ना है फोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कैरम बोर्ड तोड़ा वो 1500 का था, बोरिक पाउडर 25 रुपए, स्ट्राइकर 150 रुपए, गोटी 300 रुपए, भंगार वाली बाइक का साइलेंसर, 8-10 का स्पैनर, एक स्क्रू ड्राइवर, सबको जोड़ा तो कुल मिला के होता है 3500 रुपया। बस इतना पैसा दे दे और इसे ले जा। लाइव मर्डर देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। माचिस है? ये पान बीड़ी की दुकान नहीं है, ये टच नहीं करने का। क्या तू यमराज को जानता है? कौन है वो? माचिस देने आएगा या मार्केट में माचिस बेचता है? दुकान छोड़कर वो मेरी सिगरेट जलाने क्यों आएगा? भाई तुम सुने जा रहे, कुछ कर नहीं रहे, मारो साले को। बोलने का नहीं करने का। यमराज है समझा ना, निकाल पैसा। फिर उठेगा, शराफत से पहले ही पैसा दे दिया होता ना तो तेरा अस्पताल का खर्चा बच जाता। जनाब अलकट। सर मैं जानता हूँ इस मर्डर के पीछे उस यमराज का ही हाथ है। शहर में जितने काले धंधे और गलत काम होते हैं सर, वही करवाता है। मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है सर। उसके बारे में और क्या क्या जानते हो तुम? एक बात मैं आपको और बता दूं, उसका अंडरवर्ल्ड के साथ भी कनेक्शन है सर। पिछले हफ्ते ही वो दुबई गया था। उसके पासपोर्ट और वीजा की सारी डिटेल है हमारे पास, ये देखिए। उसे सजा दिलाने के लिए इतने सबूत काफी है। इन सभी बातों का खुलासा पब्लिक के सामने फौरन करना होगा। एज अ मीडिया पर्सन ये मेरा फर्ज है, इसलिए आज न्यूज में यही बात होगी। ये आसान नहीं है सर, क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। नो, वी आर डूइंग इट सर, आज ही। ओके सर। नमस्कार। जो हमारे देश की राजनीति में नेताओं की किस्मत तय करता है, जो मौत के फैसले सुनाता है, जिसने शहर को नशे और गुंडों का गुलाम बना रखा है, आज पहचानिए उस इंसान को। यमराज, ऑन ऑन ऑन, सारे कैमरे चालू रखो, टेलीकास्ट बंद मत करना। भगवान बुद्धि दे इसको। मैं हूं यमराज, ये जिसकी तारीफ कर रहा था वो मैं हूं। रिकॉर्ड करो, उन्हें पता तो चले कि वो डॉन है कौन। वो मैं हूं, पॉलिटिशियन, पुलिस, बदमाश, चकले, बिजनेस, ये सब के सब सिर्फ मेरे इशारे पर चलते हैं, मेरे इशारे पर। क्यों, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ दिखाओ।
जो अभी मैंने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग दिखाओ। हिम्मत है तो ये टेलीकास्ट करो। अगर इस न्यूज को तुम लोगों ने टेलीकास्ट किया तो इसके खत्म होने से पहले पहले तेरे चैनल के तबाह होने की खबर बाकी सारे चैनल्स पर होगी। अब दिखा दिखा। नो, ये न्यूज टेलीकास्ट नहीं होगी। यही यही चाहता है यमराज। जो भी यमराज से टकराता है चाहे वो कोई भी हो धूल में मिल जाता है। जो चैनल के कैमरों के सामने मुझे धमकी दे रहा है ये वो नहीं बोल रहा। इसके पीछे किसी पॉलिटिशियन का हाथ है। मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, थर्टी फर्स्ट नाइट को ये पैसे की बर्बादी अपन को समझ में नहीं आती। ये साले पीते कम है उड़ाते ज्यादा हैं। और एक हम है जो ऐसे मौके पर पीने के लिए तरह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर हम उनके घर के कुत्ते होते तो उनकी तरह ही मुफ्त की उड़ाते। डर मत जाना। नहीं यार डर लग रहा है। वो देख फैमिली को देख के रोमियो डर गया। मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। और क्या, टपोरियों की तरफ देखती भी नहीं है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। गिफ्ट खरीदा ही क्यों, जाना दे दे। ठीक है। और इसकी शादी जिस लड़के से होगी उसके भाग खुल जाएंगे। अरे अरे अरे, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है, आपको कैसे पता? एक तो बदतमीजी करता है, ऊपर से सवाल लड़ाता है। जाहिल लोग हैं, कोई भोली भाली शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर देते हैं। अरे हमारी इतनी सीधी सादी लड़की को ये आवारा लड़के बिगाड़ रहे हैं। इसमें भला मेरी बेटी का क्या दोष है, है? तो घूर क्यों रहा है? ये बहुत छोटी है अभी, इस तरह घूरते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर वालों को तेरे पे बहुत भरोसा है। उनका गुस्सा देख के अपन ने फील किया, वो तेरे को बहुत प्यार करते हैं। विश्वास मत तोड़ना। हर किसी के नसीब में फैमिली नहीं होती। मेरी बेटी से बात क्यों कर रहा है? आंटी ने इज्जत का फालूदा कर दिया और तूने कुछ बोला भी नहीं। भगवान करे इसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाए। अरे ये लाइट कैसे चली गई? भगवान ने उनकी सुन ली, उनके श्राप देते ही यहाँ लाइट चली गई। भगवान अपनी क्यों नहीं सुनता यार? विश यू हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। नए साल के पहले मिनट में मैं तुमसे मिली हूँ, इसी बात पे चॉकलेट खाओ। एक मिनट, तुमने कहा अच्छा होगा, किसके साथ? हमारे साथ। यानी कि तुम और मैं? हाँ, तुम और मैं और बाकी सब लोग। सॉरी, मैंने गलतफहमी में तुम्हें डांट दिया। नहीं कोई बात नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। कौन थी वो लड़की? उसने कहा और आदमी ने आकर तुझे सॉरी बोल दिया? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। अरे राजा, कैसे हो बेटा? नहीं नहीं, आओ आओ, बैठो बैठो। आज कैसे आए? बैठो बैठो। भाड़ा तो कल भिजवा दिया था ना? अरे उसके लिए नहीं आया हूँ, मई के महीने में मेरी बेटी की शादी है ना। क्या, हमारी निमो की? फिकर नॉट, शादी धूमधाम से करेंगे। मालिक की बेटी की शादी है, जश्न तो बनता है बॉस। जश्न कैसे करोगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ना तो प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक बैलेंस, बस ले दे के एक इलीगल जगह है। अगर इसको बेचा तो 20 लाख मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं तुम्हें खाली करने को कैसे कह सकता हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। तुमने कहा था सब अच्छा होगा, यहाँ तो साल के पहले दिन ही रास्ते पर आ रहा हूँ। अब उधर क्या देख रहे हो? एक काम करो, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, तुम मुझे 1.5 लाख दे दो और दुकान तुम्हारे नाम। कितना दे दो? 1.5 लाख रुपए? मामू समझे लाएगा, कागज पर भी इतनी रकम नहीं लिखी। जाओ किसी और से पूछो। ये क्या कह रहे हो? अरे जाओ ना सेठ। तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी।
अचानक इसे क्या हो गया? अब बेटे की शादी के लिए तो करना ही पड़ेगा उसको। इधर दीवार की अरे कीट से कितनी यादें जुड़ी ली अपनी। इस पर तो सिगरेट मत झाड़। इस बाइक का कितना पैसा मिल जाएगा? बाइक बेचना चाहता है। खरीदने वाला बुड्ढा हो जाएगा पर इसे चला नहीं पाएगा, समझा? ये हवाई जहाज है, इसे चलाना किसी के बस की बात नहीं है। आरसी बुक है क्या? हाँ वो तो है। गिरवी रख दे, 75,000 मिल जाएंगे, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। वाह, ये संभालेगा? अंबानी के खानदान से है भाई, और ये विजय माल्या का भतीजा, इसकी तो छोड़ी दो, शायद टाटा इसका मामा होगा। फालतू बात है ये। इमोशनल मत हो, ये सोना हम तुझे गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, पैसे आने के बाद लौटा देना। वैसे भी हम सोना खरीदते किस लिए? बुरे वक्त में काम आने के लिए ना। तूने बिल्कुल सही कहा था। तुझे कैसे पता चला? कल तक रास्ते की धूल था और आज ओनर हूं। अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? खुश रहो, मस्त रहो राजा। हाँ, तुम्हारा गाड़ी कल तक ठीक हो जाएगा। गाड़ी के लिए नहीं, यहाँ। क्या है आर्टिस्ट, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम मेरे घर पर इन सब के साथ खाना खाने आओ। हमें बुला रहे हो? आज लक्ष्मी का जन्मदिन है, हम लोग पूजा करके आए तो सोचा परिवार के साथ बैठकर खाना खाया जाए, लेकिन यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं, तो हमने सोचा अपनी खुशी में तुम लोगों को शामिल कर लें। आओगे ना? तू भी ना। अरे ये लोग तो अपने घर में खाना खा लेते हैं, पर अब उनके नसीब में घर का खाना नहीं है। जाओ लक्ष्मी को बोल दो मैं नहीं आऊंगा। साथ खाइए ना भैया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा साथ में खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा राजा? उसने ये कहा कि हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा तुम? साथ में खाइए ना भैया। पानी साफ तो है ना? गर्मा गर्म दीदी और दो ना। तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा क्या, जब त्योहार आता है तो टिफिन बॉक्स में सब लोग मिठाई खीर और बहुत कुछ अपन के लिए घर से जरूर लेकर आते हैं, पर किसी ने घर पर नहीं बुलाया। ये तो क्या बोल रहा है यार, इसमें इतना बुरा मत मान यार, ना तूने कभी बुलाया और ना ही अपन ने उम्मीद रखी। तुझे नहीं मालूम लाइफ में अपन फर्स्ट टाइम घर में बैठ कर खाना खा रहे हैं। थैंक्स आर्टिस्ट। ये किसी और का घर नहीं है, तुम्हारा ही है। अच्छा अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो उसके साथ नहीं खाते? ऐसे क्या देख रहे हो, खुश रहो मस्त रहो, सब के साथ अच्छा होगा। आर्टिस्ट बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा लव मैरिज है ना? हमारे बीच में लव हुआ था क्या? झूठ मत बोलो लक्ष्मी, लव हुआ होगा। सचमुच राजा, शादी से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली। सच कह रही? सच है। जब मैं गांधीनगर वाले इसके घर में बैठा हुआ था तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह इसके घर में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे में भी एक ही चीज चमक रही थी, वो था इसका चेहरा। तभी मैंने फैसला किया, यही मेरे लिए बनी है। हे लक्ष्मी, तुम बताओ ना कि तुम्हें ऐसा ही लगा था? पता नहीं, पहले मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब ये दरवाजे तक पहुंचे और इन्होंने मुझे मुड़कर देखा तो मेरे दिल में आया कि इनके साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। ऐसे ही होता है और हुआ। उनको तो फील हो रहा है, पर तेरे को भी होने लायक है?
ओम, मन में ओम मंत्र का जाप करें, शांति रखें, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करें, वार्तालाप न करें, कन्याओं पर दृष्टि न डालें, आंखें बंद रखें। भैया ना उनको, क्या तेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है? कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भूल गई, मैं वही हूँ, न्यू ईयर में जैसा चॉकलेट दिया था उस दिन के बाद से सब अच्छा है, लाइफ सुपर हो गई है। अरे हाँ, कल आर्टिस्ट ने कहा था कि जिससे मिलके घंटी बजे उसे प्यार कहते हैं, पर तेरे को मिलके तो दिल में घंटा बज गया है और तू अपुन के अंदर घुस गई है, तो फिर चल अपुन तेरे को आई लव यू बोलता है। आती क्या घंटा, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अपुन की तारीफ, नाम राजा राजकुमार, एरिया भिंडी बाजार, काम बाइक मैकेनिक, और कमाई इतनी कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं। और क्या रह गया? हाँ, अपुन को खाज खुजली टाइप की बीमारी नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया, अब अपुन चलता है। रुको, क्या हुआ? ये कोई मजाक है क्या? नहीं, तुम मुझे जानते हो? जानते हो मेरे पिताजी कौन है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हो? मेरा स्टेटस जानते हो क्या? एटलीस्ट मेरी पसंद तो पता ही होगी। अंकल, लगता है बल्ब फ्यूज है, अनजान बन रही है, भूल गई, सबको अंधा करके बैठा दिया आपने यहाँ। लगता है सब येड़ा लोग है, मैं तो सबको भला चंगा मान रहे था, पर ये सब लोग तो आंख का अंधा और नाम नैनसुख जैसा भंगार लोग है। तुम तो नॉर्मल थी, तुम पागलों के बीच कहां से फंस गई? पागल? कौन पागल है, तुम या वो? चिल्लाती काहे को है, संभालता ना अपन। भाई लोग, सुबह उठने से पहले दवाई लो, कच्चा नींबू काट कर निचोड़ो, और सर की सब ठीक हो जाएगा। राजा निकल ले, नहीं तो ज्यादा देर रुका तो पागल हो जाएगा। अपुन पागल तो नहीं। क्या गंदा शॉट मारा अपुन का, तो भेजा ही शॉट हो गया। ए, तू भी तो प्यार करता है, ये बता तूने फर्स्ट टाइम अपने प्यार को कैसे बताया था? मुगले आजम देखी तूने? दिलीप साहब ने क्या प्यार किया उसमें, जब किया तो डरना। फटे बांस जैसा मत गा रे, ये लव में हमेशा कुर्बानी, मौत, दर्द, यही सब क्यों जुड़ा रहता है? क्या यही प्यार है? खुश नहीं रह सकते क्या? क्या राजा, लव पर पीएचडी कर रहे हो क्या? बात ये है आर्टिस्ट, देखो अगर कोई आपको आई लव यू बोल दे, हाँ, तो आप भी तो उसको आई लव यू बोलोगे ना? हाँ, पर वो तो भड़क गई। भड़कने वाली कौन थी? न्यू ईयर वाले दिन जिसने अपुन को चॉकलेट दिया था। हाँ दिया तो क्या? अरे मैंने उसे आई लव यू कहा तो मुझे डांटने लग गई। देख आर्टिस्ट, तूने कहा किसी एक लड़की को देख के अपन को फीलिंग लगेगा, तो अपन को लगा, वहां गया और कह दिया। क्या रे, तूने हम लोगों से क्यों नहीं पूछा? अगर पूछा होता तो मैं बताता कि उसे हिंदी में बोल, इसलिए तेरी बात नहीं बनी। ए, अगर प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए ना, तो प्यार करना ही बेकार है। राजा सीधे उससे कहा था? तब तो उसकी नींद उड़ गई होगी। उसे श्राप क्यों दे रही हो? जब कोई लड़का किसी लड़की से ऐसी बातें करता है तो वो रात भर सोचती रहती है। अब सोचने का क्या फायदा, बोलने से पहले सोचना था। प्यार भी कैरम बोर्ड की तरह है, रानी मिस हुई तो गई हाथ से। लव है ये लव। नींद नहीं आ रही क्या? आधी रात को तो मेरी बालकनी में क्या कर रहे हो? आसमान के तारे गिन रहे लाओ। तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लव ऐसा ही होता है, ऐसा लक्ष्मी ने बताया, इसीलिए तुम रात में जाग रही हो। सो जाओ, कल तुम्हें बहुत काम करना है, जब फ्रेश रहोगी तभी तो कल आकर मुझे प्यार से आई लव यू कहोगी। कल मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगी? तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अपुन तो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद ही खुद को जानना शुरू किया है।
ऐसा ही होता है। जाओ सो जाओ। मेरे डैडी को पता चला ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। मार देंगे। ठीक है मैं जाता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। हद हो गई। तुम खुद को बिजनेसमैन कहते हो, घोड़े बेचकर 8 बजे तक सो रहे हो और तुम्हारी छोकरी रात भर जागती रही। रात को ज्यादा पी ली थी क्या? कौन हो तुम? अपुन का जन्म कुंडली जान के तुम क्या करेगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम अपनी बेटी को मारोगे? उसे मैं क्यों मारूंगा? वही तो, क्यों मारोगे? उसी ने बताया वो बहुत डरी हुई है, वो पढ़ नहीं पाई। उसकी कोई गलती नहीं है, अपुन उसके कमरे में उसे सुलाने गया था। श्वेता, अरे उसे क्यों बुला रहे हो? अरे तुम घबराओ मत, अपुन ने इनको बता दिया कि गलती तुम्हारी नहीं अपुन की है। अभी तुम्हें ना तो मारेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। ठीक है अंकल। हु इज ही? हु इज ही? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मस्त है ना? ये क्या बक रहा है? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अंग्रेजी समझ नहीं पाते हो? आज ठीक से सोना, अपुन को भी बहुत नींद आ रही है। अंकल कभी गाड़ी खराब हो ना, अपुन का गैरेज में कमिंग। ओके सी मी बाय। कौन था ये? अंदर कैसे आया और ये क्या बकवास कर रहा था? मुझे भी नहीं पता, न्यू ईयर में एक बार विश कर लिया तब से मेरे पीछे पड़ गया। तुम्हें सच में नहीं पता? प्रॉमिस पापा। ठीक है मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, आपके पास पहले ही बहुत सारे काम है, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल है, मैं संभाल लूंगी। गुड बट बी केयरफुल। यहाँ पे राजा कौन है? ये चाचा, ये राजा कौन है? कहाँ रहता है? हाँ बता रे। नहीं पता भाई। ये बोलता है कि नहीं? नहीं पता भाई। ये बोल रहा? ये मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। ये बोल रहे? ये अरे भाई बहुत भूख लग रही, जाने दो ना, मुझे नहीं पता भाई। बता रहा है कौन है वो? बोल। बोला ना आपकी कसम, मुझे नहीं पता। यही है वो लड़का। ये अपना पर्सनल मैटर है, तुम लोग कल्टी मारो। अब तुम्हें समझ में आया मैं कौन हूँ? दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अरे तूने मारा क्यों नहीं उन्हें? अरे नहीं, अगर अपुन चाहता ना तो चुटकी में साफ कर देता। पर जब अपुन धुल रहा था, एक बच्ची की तरह कितने प्यार से चॉकलेट खा रही थी, वो कैसे देख पाता? क्यों लक्ष्मी? कौन थी वो? मेरा प्यार। एक्सक्यूज मी, क्लासिक देना जरा। तुम सिगरेट भी पीती हो? अपुन को लगा था तुम कॉलेज में पढ़ती हो, पर तुम तो टेलर हो। टीचर ये सिगरेट मांग रही है, फिल्टर वाली दे दूं क्या? हेलो तुम कौन हो? अपुन राजा। क्या चाहिए तुम्हें? अपुन को नहीं, इसको सिगरेट चाहिए। हेलो मिस्टर, क्लासिक कैची की ब्रांड है। अच्छा कैची का नाम क्लासिक है, अपुन एकदम गलत समझा। कोई टेंशन नहीं है, अब तुम काम करो। क्या तुम इसके बॉडीगार्ड हो जो इसकी फिकर कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ए, वो बाहर खड़े कंपाउंडर को 50 रुपए दिए। कंपाउंडर? जो बाहर सफेद कपड़ों में घूम रहा है वही वाला। इसने अपुन की बहुत धुलाई कराई, अपुन को लगा था कि तुम दुखी होगी, पर नहीं तुम तो हैप्पी हो। क्या अदा है। क्यों टार्जन, कल तेरा टाइम अच्छा था, तू बच गया क्योंकि मेरी पिटाई से वो खुश थी, नहीं तो मैं तेरे को यही सुई घुसेड़ देता।
कल तो ऐसी एंट्री मारी थी जैसे अमिताभ की बात बस तू ही है। जा जाके ब्लाउज में टांगा लगा। ये सब क्या चल रहा है? I'm sorry madam। बाजूबाट। ए चश्मिश, काय को डांट रही तू? तू यही सिखाती है क्या? कपड़ों को काट काट कर इतना छोटा कर दो कि लड़कियों को सब कुछ दिखाई दे। तू टीचर है क्या चिंदी चोर? अबे काम कर तू, यहाँ से कपड़ों की चिंदी जमा करके बाहर ले जा और जाकर बेच। ए चल बाहर निकल। ए 50 रुपए दिया ना, चल निकल। मैं हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। अरे इसके लिए तुम हाथ मत जोड़ो, जाता हूँ मैं। टीचर बाय। एक्सक्यूज मी मिस्टर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, माय नेम इज राजा। इतनी गर्मी में गर्म कोट पहनोगे अंकल, पिघल जाओगे। देखो वो अभी तक नहीं गया, यहीं खड़ा है। पता है, बस चुपचाप चलती रहो। चलो चलो। ऐसे कूद क्यों रहे हो? कबूतर हूँ ना। क्या कहा? लव लेटर लाया हूँ। तुम कबूतर बनकर ये लव लेटर लाए हो, क्या चाहते हो पढ़कर अभी जवाब दूँ? बाद में दे देना। रुको रुको, खेल यही खत्म करते हैं। फ्रेंड्स इधर ध्यान दो, साहब ने मुझे अभी अभी लव लेटर दिया है। मैंने अकेले पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये लेटर आप सबके सामने पढ़ूं। क्यों, ठीक है ना? माय डियर टावर। क्या टावर? क्या है ना, अंग्रेजी में लिखा है और इसीलिए एल की जगह टी लिख दिया है। माय डियर टावर, ये अपुन का पहला लव का क्रीम है। न्यू ईयर में तुमसे मिलके अपुन का गियर जाम हो गया। जब भी गाड़ी में मैं किक मारता हूँ, मेरा गियर बॉक्स क्या टूट जाता है। श्वेता इससे कहो बदल ले। अब तो तुम्हें चेस करना बन गई अपुन की सारी लाइफ, पता नहीं कब बनोगी वाइफ। अपने हैट में तुम्हारा टेम्पो बनाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। हैट में टेम्पो? टेम्पो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, टेम्पल बनाएगा, क्योंकि अपुन को तुमसे लव है। मैं तुम्हें अपनी परमानेंट वाइफ बनाना चाहता हूँ। ए ए, परमानेंट या प्रेग्नेंट? तुम मेरी लाइफ में पड़ने वाली एक इंजन ऑयल हो, जिसके बिना अपुन की लाइफ खटारा है। ये लव लेटर है या किसी मैकेनिक का बिल? तुम ढंग से एक लव लेटर तो लिख नहीं सकते हो और चले हो मुझसे प्यार करने। ये लव लेटर इनके टाइम पास के लिए नहीं था, तुम्हारे लिए था। तुम इसमें जितनी भी गलती निकालो, पर अपुन की बात डायरेक्ट तुम्हारे दिल तक पहुँच गयी थी। सही बोला ना, अगर कभी कोई लव लेटर लिखना आता तो कालिदास से लेकर गुलजार तक लड़कियां सिर्फ उन्हीं लोगों से पटती, बाकी लोग घर में बैठकर ताली बजाते। प्यार में जरूरी है आप उनका कूलिंग तुम तक पहुंचे और तुम्हारा कूलिंग अपुन तक आए, बस और कुछ नहीं। बात खलास। ये तो अपुन के हीरो की हीरोइन है। राजा राजा। क्या? वो दीदी आई है। किसकी दीदी? अरे वही जो उस दिन आई थी ना, गुंडों की बहन। आज क्या इरादा है? राजा को अपने नजरों के तीर से घायल करने आई हो क्या? नहीं, वो है कहाँ? इधर है। ए! तुम अपुन के एरिया में आई हो, कॉफी मंगाओ या मसाला दूध लोगी? सुनो सुनो, उस दिन जो लड़की आई थी ना, यही है वो। एक चाय मलाई मार के। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जाना नहीं आर्टिस्ट, इसे सबके सामने बोलने दो। बोलो। ए चल। ए तुम लोग किधर जा रहे हो? ये तुझसे बात करने आई तो तू कर। अरे रुक रे, जब अपुन ने इसके बारे में नहीं बताया था तो तुम लोग को बुरा लगा था, अब सामने आ गई तो भाग रहे हो। रुको, कहो तुम्हारे दिल में आई लव यू का गुब्बारा फूटता है ना? मैं एक अमीर खानदान की लड़की हूँ। वो तो हो। और तुम एक बाइक मैकेनिक हो। अरे वो सब छोड़, तू अमीर है, मैं मैकेनिक हूँ, ये बात सब जानते हैं। तू मन की बात बोलना। मेरा रहन सहन अलग है, तुम्हारा अलग है। पॉइंट पर आना। दरअसल बात ये है कि एक मिनट, अपुन की जैसी कूलिंग है वैसी तुम्हारी भी ना, करेक्ट है? नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर नहीं पर अपुन तुमसे ये नहीं पर नहीं सुनना चाहता। जब अपुन ने आई लव यू बोला तुमने डांटा, घर से भगा दिया, यहाँ पर पिटवाया, कॉलेज में मेरी इज्जत का फालूदा बनवा दिया। जब इससे भी मुझसे पीछा नहीं छूटा तो बातचीत से सल्टाने आई हो। देखो अपुन तुम्हें सच्ची में प्यार करता है, पर तुम अपुन से प्यार नहीं करती।
पर एक दिन तुम्हारा दिल तुमसे जरूर बगावत करेगा और तुम्हें समझाएगा कि तुम अपुन के बिना नहीं रह सकती। पर ये कब होगा अपुन नहीं जानता, पर होगा जरूर, क्योंकि यू नेवर डाई फॉर मी। चल अब निकल ले भाई। चारा घोटाले का क्या हुआ? भेड़ से जाके पूछना। पीसा की मीनार टेढ़ी क्यों है? उसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिसे दिया था वो इंसान ही टेढ़ा था। ओहो। इस वक्त तेरी घड़ी में क्या बजा है? 8:30 बज गए। मैंने तो टाइम नहीं पूछा। अरे बाप रे, टाइम तो मैंने पूछा था। लगता है मेरा बुरा टाइम आ गया, मैं गटर में गिर गया, बचाओ। एक्सक्यूज मी, आप गटर में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं 212 नंबर बस का इंतजार कर रहा हूँ। अबे ये दिखता नहीं है क्या? ये बीएमसी वाले गटर का ढक्कन खुला रखते हैं और मेरे जैसे ढक्कन इसमें घुस जाते। अब हाथ दे निकाल। इंटरव्यू के लिए जाना था, सारे कपड़े खराब हो गए। कौन सी कंपनी में? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। लाल दुपट्टे वाले, मेरा हाथ तो संभाल। सॉरी, उसी कंपनी में उसी पोस्ट के लिए मैं भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इसी गटर में रहकर बदबू सूंघो। ऐसे में तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यही अच्छा है ना। अच्छा वैसे तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो? ओह यस। तो चलो कौन बनेगा मैनेजर खेलते हैं। मैं सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं। तू तेरे बाप का बेटा है या नहीं बता। सॉरी सॉरी, ये टफ क्वेश्चन था, मैं इजी वाला पूछता हूँ। 1+1 कितना बता? तू खुला सांड साबित हो सकता है। तेरा लाल कपड़ा देख के भड़क भी सकता हूँ। नहीं नहीं, माफ कर दे। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कहने पर मैं वहाँ चली गई। बेवकूफ। तो आखिर तूने उसे कहा क्या? पागल है वो, मेरे प्यार ना करने से उसे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे प्यार करता है और करता रहेगा। फिर उसने तुमसे क्या कहा? उसका कहना है कि एक दिन मैं उसके प्यार में दीवानी हो जाऊंगी। तो मना क्यों कर रही हो? प्यार कर लो उससे। क्या, उस जाहिल से प्यार करूं? सच में थोड़े ही करना है। यू मीन? एक काम कर, तू पहले उसे आई लव यू बोल दे, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देख। सॉरी, अपुन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, इंतजार में ही मजा है। उस दिन तो मुझसे नाराज हो गए थे, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है, तो मैंने तय कर लिया कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। I love you। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ झूठ झूठ, ऐसा नहीं है। चुप! अब एक लफ्ज भी मत निकालना। तू मेरे को क्या समझती है रे? इन आंखों में प्यार नहीं फरेब है। हर बार झूठ बोलते हैं ये होठ। किसी दोस्त ने बोला है ना, ताकि अपन तुम हिलाता फिरे। हाँ, प्यार दिमाग से नहीं किया जाता, दिल से किया जाता है। अगर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती हो तो उसके मुंह पर बोलो, वो चलेगा, पर झूठ नहीं। झूठ नहीं, अपने इस प्यार की नौटंकी दिखाकर कम से कम प्यार को बदनाम तो मत करो। दिल टूटता है अपुन का। ए, तेरे को नहीं पता तू अपुन के लिए क्या है? अपुन का देवी है तू, अपुन पूजा करता है तेरी। पन तू नहीं समझेगी, अपुन से कहने का था ना कि मैं टपुरी तेरी जोड़ी का नहीं है। पन झूठ काहे को बोला तुम? तेरे को मालूम मैं तुझसे प्यार क्यों किया? क्योंकि तू सच्ची थी। तुम उस समय सच्ची थी जब अपुन को भगाया, बेइज्जत किया, पिटवाया और जो बन सका किया। लेकिन अब अपुन तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती किया, कभी टॉर्चर किया क्या? बगीचे का फूल देकर प्यार जताना अपुन को नहीं आता है। बड़ा गिफ्ट को रिबन से बांध कर देना भी अपुन को नहीं आता है। दुकान से कार्ड लाके नाम लिख करके दे दिया, नहीं आता है। अपुन बस ऐसा ही है, समझ में आया? ये एरिया का असर है, लोहे और स्टील की तरह सख्त हूं मैं। जब तू अपुन के प्यार को समझेगी तब ऐसे नहीं बोलेगी आई लव यू। उस वक्त तेरे होंठ नहीं बोलेंगे, वो इसलिए कि जो दर्द तूने दिए हैं वो दर्द तू भी महसूस करेगी। जब तू अपुन के प्यार को महसूस करेगी तब बोलेगी नहीं, बस रोती रहेगी। और तेरी आंखों से निकलने वाले उन मोतियों के जमीन पर गिरने से पहले अपुन उनको थाम लेगा, तेरे सर की कसम। आज के बाद अपुन तुझसे नहीं मिलेगा। ए बस बस बस, रोक दे। अरे कृष्णा, ए तू ऑटो से आ रहा है? बाइक कहाँ पर है? अपना राजा कहाँ है? राजा क्या रे, ढीला लग रहा है, क्या हुआ? एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उमा की आज शादी हो रही है। खाली नहीं है बाबा,
ऐसे कैसे? उमा तो तेरी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ है। अरे साहब रिक्शा खाली करो और मेरा भाड़ा दो, धंधे का टाइम है, जाने दो। अरे मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकना। जल्दी करो बाबा। ए, ऑटो में ऐसा क्या है, इतनी भीड़ क्यों लगी? ए भाई कटिंग दे। डेड बॉडी है क्या? ऑटो ऑटो ऑटो। ये क्या है? मैं क्या करता यार। हेलो उतर जाओ। अरे जाओ अपने काम पर, कोई शूटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा था ना राजा मदद करेगा। ए भाई बड़ा ही बाद में है, पहले अंदर आओ। ए सुन, ये ले चल। ओके सर। आजा रो मत। रोना बंद करना, सब ठीक हो जाएगा, राजा संभाल लेगा। ए क्या संभाल लेगा, किसे संभाल लेगा? दिमाग नहीं है? पहले नहीं बता सकता था, शादी के हॉल से उठा कर लिया है। और तेरे को अकल नहीं है? अरे कुछ भी सोचने समझने का टाइम नहीं था इसलिए उठा लाया। उठा लाया, रखेगा कहाँ पर? तो कमरा भाड़े पर ले लूंगा ना। उसके लिए पैसे हैं तेरे पास? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके गहने गिरवी रखकर। बेशर्म कहीं का, लड़की के गहने गिरवी रखेगा तो फिर और क्या करूं? तेरे भरोसे आया था, सोचा था तू कुछ करेगा, कोई तो रास्ता होगा। तुम उसे प्यार करती हो? सच बोलना। तुम उसे प्यार करती हो ना? कोई और पूछे तो ये बोलोगी? गाड़ी निकाल। कहाँ? आप उन पर भरोसा है ना, तो आ इसे साथ ला। डर मत, चल चल। कैसे हो गया ये सब? हो जाइए, शादी के मंडप से मेरी बेटी को भगा कर ले गया वो हरामखोर। डेकोरेशन पे कितना खर्चा कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे। क्या खाद धीरज रखूं? तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें भी पता चल जाएगा जब तुम्हारी बेटी को कोई मंडप से भगा कर ले जाएगा। उधर देखिए भाई साहब, देखिए ना उधर, देखिए कौन आया। आपकी बेटी आ गई है वापस। मेरी बेटी को भगा कर ले जाने वालों के मैं टुकड़े कर दूंगा। ये पहले बात तो पता चले। क्या बात पता चले, जरा हिम्मत तो देखो इसकी, बेशरम की तरह मेरे सामने खड़ी है। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है, जाओ धक्के मार कर निकाल दो इसे यहाँ से, जाओ। ए! अगर अपन इसको वापस आपके बिल में ला सकता है तो आप उनको कम मत समझना। ये चिल्लम पुकार करके डराने का नहीं, सबकी हड्डी पसली तोड़ के इस मंडप को हॉस्पिटल में बदल देगा। ए आजा चल मार, तू इसके टुकड़े करेगा ना, अचार बनाएगा और अपनी इस बेटी को विधवा बनाएगा। प्लीज पापा। हेलो 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 ठहर जरा, बाप और बेटी का रोना धोना बाद में करना, उससे पहले इम्पोर्टेंट काम बाकी है, चल। छोड़िए ना पापा, किस्मत खराब है, जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते, रहने दीजिए। क्या घूर क्यों रहे? तुम दोनों के प्यार के बीच इसका बाप विलन बन जाता है, ये तेरा अपना मामला है, इस चक्कर में इस आदमी की बेइज्जती काय को रही है? इनके पैर पकड़कर पहले दोनों माफी मांगो। जरा इनकी सोचो, खुशी खुशी ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, इस लड़की के साथ अपने सपनों का महल सजाने वाले थे, तुम्हें इनके सपने तोड़ने का कोई हक नहीं है, गलत है ये। इसके लिए तुम्हें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी, चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, शादी उसी से करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो, तुमने सही किया। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं कराता। खुश रहो, दोनों खुश रहो। ये क्या तमाशा हो रहा है, उसे इस मामले में क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट चलाओ मत। उमा जो तुमने गैरेज में अपुन से बोला था वही अब सबके सामने बोलो, नहीं बोलेगी तो इसे पीटता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। नहीं, 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 मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। पीछे हटो। अगर ये तुझसे शादी करेगी तो इसे रखने के लिए कोई घर है तेरे पास? पता है मैंने कितने नाजों से पाला है इसे, आज इसकी आंखों से आंसू निकले हैं तो सिर्फ तेरी वजह से। और राजा क्या ये कुछ पूछ रहे तुझसे, जवाब दे, तेरे कितने घर है, कितना बैंक बैलेंस है, लड़की का ख्याल कैसे रखेगा, सब बता। लड़की उठा लिया, हो गया, पूछिए सर, प्यार से नहीं डांट कर पूछिए। बता बता। सर 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 आपकी चिंता फुल टू जायज है, लेकिन क्या है ना अभी इसकी हालत जरा टाइट है, क्योंकि अभी ये बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, जैसे बाकी लोगों को नौकरी की उम्मीद होती है इसे भी है, जैसे अच्छे दामाद का ख्वाब आपने देखा है ये बिल्कुल वैसा ही बन के दिखाएगा, और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी उस दिन ये हाथ मांगने आएगा और इसकी शादी आपको करनी होगी। सब सुनिए, आप लोग शायद लड़की के रिश्तेदार हैं,
आप लोग गवाह हैं, तब तक हमारी अमानत यहीं रहेगी। चल रुक जाओ, तू बीच में क्यों पड़ रहा है? अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? सर सर छोड़िए ना। कृष्णा कहां तक पढ़े हो? छोड़िए ना सर, इसने माफी तो मांग ली ना। बीएससी कंप्यूटर साइंस। पापा विजिटिंग कार्ड दीजिए। इसलिए दीजिए ना, ये रहा मेरा कार्ड, कल से तुम मेरे यहाँ प्रोग्रामर का काम करोगे, सैलरी 15,000 होगी। थैंक यू वेरी मच सर। ये नौकरी मैं तुम्हारी वजह से नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह से दे रहा हूँ। लड़की को भगाने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि दोस्त लोग उनकी शादी चोरी छिपे करवा देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि कोई उनकी आगे की जिंदगी संवारने के लिए बिना डरे मुझसे यहाँ पर माफी मंगवाने लाता है। इसकी भड़प्पन की वजह से ही तुम्हें जॉब मिली है, जाओ शादी की बात करो। आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सर, आजा। सर हो सकता है ये आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा ना उतरे, पर आपकी लड़की को अपने पलकों पर बिठाएगा, मान जाइए ना सर। पापा यहाँ खून की नदियां बहने वाली थी, लेकिन तुमने तो खुशियों की लहर ला दी। जीते रहो, तरक्की करो बेटा। पंडित जी शुरू कीजिए। अबे खड़ा क्यों है, शादी के लिए शेरवानी नहीं है? भूल जा, जींस में शादी कर ले। पंडित जी विवाह की कार्रवाई शुरू करो। वो अच्छा लड़का है, उसे मिस कर रही हूँ, पर अब वो नहीं आएगा। हे देखो वो रहा राजा। कहाँ, किधर? मेरे कहने का मतलब बाहर नहीं, तुम्हारे दिल में है। तुम्हारे दिल में ही उसने अपना घर बना लिया है, और तुम ये बात समझ ही नहीं पा रही हो। गुड मॉर्निंग सर। आ गए डीसीपी, बैठो। नो इट्स ओके सर। बैठो यार। तुम में एक बात है जो सबसे अच्छी है, एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद तुम इस 12वीं फेल के सामने बैठने से झिझक रहे हो। सर आप हमारे होम मिनिस्टर हैं, आपकी इज्जत करना तो हमारी ड्यूटी है ना। वो तो है, कुछ काम था? छोटा सा काम था, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए था। बच्चे हो क्या, मैं फिल्म स्टार हूँ जो ऑटोग्राफ लोगे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए सर। ये क्या है, मुंबई का कमिश्नर बनने के लिए तुम्हें मेरी सिफारिश चाहिए, और इसके लिए तुम्हें साइन चाहिए। आपको क्या लगा 5 रुपए की नोट पे ऑटोग्राफ लूंगा और एल्बम में चिपकाऊंगा? ऐसे घूर क्यों रहे हो? जब मुझसे कत्ल करने को कहा तो मैंने कर दिया, 1 रुपया तक नहीं लिया। अब एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, चलिए साइन कीजिए। अभी साइन करना है? हाँ बिल्कुल अभी। तुम तो मेरे अपने बच्चे जैसे हो, इसलिए तुम्हें इनकार करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आज दिन अच्छा नहीं है, कल मंगलवार का दिन शुभ है, तुम्हें बहुत बहुत तरक्की करनी है, तो कल करते हैं। सिग्नल बंद क्यों है? जैन सर। चल चल चालू कर इसे। ठीक है सर, चालू करता हूँ। जल्दी ठीक करवा। ठीक करवाता हूँ। गाड़ी नो पार्किंग में क्यों है? हटा उसे। हटा दो। अरे गाड़ी हटा। ए सुना नहीं दे रहा क्या? गाड़ी हटा। ए क्या है? हट जा। ए गाड़ी। और तेरी नाकों से निकलने वाले उन मोतियों के जमीन पर गिरने से पहले अपुन इनको थाम लेगा, तेरे सर की कसम। Ah!
देखो उसने रिकॉर्ड कर लिया, पकड़ो उसे। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ तो जाना, मेरे पैर छू के आशीर्वाद लेगा क्या? बीवी से लड़के आया क्या सड़ेले? जाना कहाँ है? भिंडी बाजार तक। मैं चोर बाजार तक ही जाऊंगा। रिक्शा वाले बहुत मनमानी करते हैं, जहाँ बोलते वहाँ जाते नहीं। इतना बोल रहा तो चल मैं छोड़ दूंगा, मुझे मीटर से मतलब है, जगह से नहीं। अब टाइम खोटी मत कर, बैठ जल्दी अंदर। थैंक यू सर। लगेज पीछे डाल दे। मेरा सर्टिफिकेट ही मेरा लगेज है। लगेज नहीं, गार्बेज है। चल बैठ। गार्बेज के साथ बैठ रहा है, 30 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आधा बाहर लटका रहा तो कितना? ऑटो है ये, मुंबई की लोकल नहीं है। तेरी खटारा से अच्छा तो लोकल है, अब डिस्टर्ब मत कर। साइन क्यू बाय कॉस क्यू इज इक्वल टू टैंक क्यू। यू आर वेलकम। हाँ थैंक यू। अरे नो मेंशन सर। तू हमेशा रिक्शा ही चलाएगा, अनपढ़, ये फॉर्मूला है तो ठीक से बोलना। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलता है तो बनता है पानी। पढ़ा लिखा गवार मुझे समझा रहा है। मैंने फॉर्मूला बोला तो टेंशन में आ गया क्या? चल आजा अंदर आके बैठ, मैं बीएससी फिजिक्स हूँ। क्या बीएससी फिजिक्स? अगर ये ऑटो चला रहा है तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं पर्दा गिरा देता हूँ। ये क्या कर रहा है, बारिश थोड़ी हो रही है। ये प्रोटेक्शन के लिए नीचे गिरा है, अगर बस के टायर से कीचड़ उछलकर मुझ पर आ गया तो? विंडो सीट वाले ने पान खाकर मुझ पर पिचकारी मार दी तो? ये मेरा 126वां इंटरव्यू है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए सेफ्टी ले रहा हूँ। ऑटो चला काला जामुन, बीच वाला भी बंद कर देता हूँ, वरना ये आइंस्टाइन मुझे नया फॉर्मूला सिखा देगा। अरे इसने रिक्शा रोक क्यों दिया? अबे काला जामुन, अपन पहुंच गए क्या? नहीं सर, जरा इमरजेंसी है समझो। शी शी, घर से करके निकलने का ना। साइन क्यू प्लस कॉस क्यू प्लस टैन क्यू। ये नो पार्किंग में किसने पार्किंग करने दिया? हाँ चलो उठा इसे। टैन क्यू इज इक्वल टू कॉस क्यू। ये ऑटो रिक्शा अचानक हवाई जहाज कैसे बन गया? लगता है ये फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे, ये फ्लाईओवर तो ओवर ही नहीं हो रहा है। हाईवे का ब्रिज इतना लंबा तो नहीं हो सकता। एक मिनट जरा चेक करता हूँ। ओहो मैं लटक गया, ये ऑटो ऑटोमेटिकली रॉकेट की पोजीशन में कैसे आ गया भाई? अबे तू अंदर था क्या? और तू बाहर था क्या? सॉरी सर, मेरा मतलब आप इसे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो पार्किंग में पार्क किया था इसलिए उठा लिया मैंने। ओ तेरी मैं मर गया सर, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे सच्ची नहीं पता कि उसने कहाँ पर पार्क किया है, मुझे किसी तरह बाहर निकालिए ना। के हिसाब से मैं बीच में नहीं रोक सकता, ये अब सीधा चौकी में जाके रुकेगी। सर आपकी चौकी कहाँ पे है? रिकोंडा एरिया में। अरे बाप रे, इतनी दूर? सर मुझे तो गोलकोंडा जाना है। इस एरिया में तो पानी भरा हुआ है। गए इंटरव्यू पानी में। हाय, ये कौन सा अवतार है? स्टाइल है। अच्छा ये कैसा कलर पहना है? लव है ना, हीरो लगना मांगता है। सब तुम्हें घूर रहे हैं। फिगर नॉट, अपुन का पर्सनालिटी जैसा है। ये इतनी बुरी नहीं है क्योंकि ऐसी ड्रेस मैंने गोविंदा की फिल्मों में देखी है। करेक्ट, गोविंदा की फैन हो क्या? चीची भाई का ये गेटअप पसंद आया तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये पॉकेट में पेन की जगह स्ट्रॉ क्यों है, वो भी दो दो? एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। चल छू छाई छू, चल पीछे से निकल कर आ तू। ये क्या है? फिल्मों में लवर्स एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ से पीते हैं, देखा नहीं? कैच, टेक इट। पहले हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखेंगे, फिर बीच में पाव भाजी खाएंगे, पेड़ के नीचे गाना गाएंगे, और फिर मैं तुम्हें बस में ले जाके घर छोड़ूंगा, और फिर रात को लेट कर तुम्हें याद करूंगा। वैसे हम ऐसा क्यों करेंगे? सारे लवर्स यही तो करते हैं। तो वो हम क्यों करें? ठीक है नहीं करते हैं तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ पर तुम गोविंदा टाइप के ना हो। मुझे 100% ओरिजिनल चाहिए। क्या हुआ? आ जाओ लक्ष्मी। ये अरे तुम इन्हें यहाँ ले आए, घर एकदम गंदा पड़ा है और तुम इन्हें अचानक यहाँ ले आए तो? सुनिए जी, बाहर आइए, जल्दी आइए ना। देखिए कौन आया है।
मैंने बताया था ना, यहाँ लेकर आए तो फिर कहाँ ले जाता। ओ अच्छा, बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। तुम पहली बार घर आई हो, क्या लोगी बताओ? जी कुछ नहीं, थैंक यू। सुनिए जी, सर यहाँ आइए, कुछ काम है। अरे मैं क्यों? अरे आइए ना, तुम दोनों बातें करो। अरे सोचती होगी कि अपुन तुमको यहाँ पर क्यों लाया है। तुमने कहा था ना तुम्हें वहां जाना है जहां सिर्फ प्यार हो, इसके लिए अपुन यहाँ ले आया। यही वो जगह है जहां की हवा में वो खुशबू है जिसे हम प्यार कहते हैं। थोड़ा गर्म है, चलेगा। ये लो पकड़ो, खाओ खाओ खाओ। जल्दी में बना दिया, देखा भी नहीं कैसा बना है, खाकर बताओ। मुझे टेंशन हो रही है। वो क्यों? मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना हो तो होटल से मंगा कर खा लेना, क्योंकि मुझे घर चलाना नहीं आता है, कुछ नहीं जानती। तुम मेरा साथ दोगी ना? आईजी ऑफिस के सामने डीसी का मर्डर, क्लीन एविडेंस। ये वीडियो स्टेट पॉलिटिक्स को बेनकाब कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मर्डर के पीछे जो वीआईपीज है उन सबका पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं सर, ये यमराज बहुत खतरनाक आदमी है, शराफत के चोले में शैतान है वो। अच्छा टाइटल है, कल से ही प्रोमो शुरू कर दो। जी सर। शराफत के चोले में शैतान, यमराज के चंगुल में फंसी सरकार। ये खबर देखते ही गवर्नमेंट में सनसनी फैल जाएगी। आपने सही कहा सर। ये सीन तो गलती से रिकॉर्ड हो गया सर, जहां मर्डर हुआ वहां पास में ये लोग खड़े थे। मैं अलग नहीं है, समझ गया ना? तुझसे जो कहा जाए वो ही कर रहा। ओके बोलो, मुझसे होशियारी करेगा? मैं धमकी नहीं देता, सिर्फ फैसला सुनाता हूं। मुश्किल है, आसान काम करने का शौक नहीं है मुझे। क्या कर सकते हैं, मैं ईमानदारी से बेईमानी करता हूं। मार दो। उसका नाम राजा है। एक छोटा सा बाइक मैकेनिक है, उसने तुम्हारी बेटी को फंसाया है। बीच पर उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में समाये हुए देखने के बाद तुम दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। और तुम ये सोचकर कांप जाते हो कि कहीं वो मवाली तुम्हारा चैनल हड़प न ले। तुम्हें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए, चाहे उसके लिए उस छोकरे की जान ही क्यों ना चली जाए। तुम यही चाहते हो ना? शराफत का चोला पहनकर शैतान हमारे पास आया। वेलकम टू यमराज, तुम अपने ही टीवी चैनल पर इसे हेडलाइन बनाकर दिखाओगे। अब तुम्हारी समझ में आया, शैतान की ताकत ही राज करती है। तुम चाकू उठाने से डरते हो और हम यहां तलवार से हुकूमत करते हैं। तुम्हारे जैसे पत्रकार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के पास सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है और हम उसे सॉल्व कर देते हैं। भगवान आज तो मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचा दे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तू जा। चल अपुन छोड़ देता। रहने दे भाई, पिछली बार तो मेरी चड्डी तक उतारने पर तुला हुआ था। तेरे साथ गया तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी चड्डी पहुंचाएंगी। तू जा भाई। चड्डी के साथ ले जाऊंगा, चल बैठ। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन ले, रास्ता मैं बताऊंगा, तू गाड़ी चलाएगा। ओके एज यू वांट। किस तरफ से चलूं, लेफ्ट या राइट? पहले तो यू टर्न ले ले। अरे मेरे भाई, ओ टर्न नहीं बोला था, यू टर्न बोला था, क्या कर रहा है? रुको रुको, गाड़ी घुमाओ, वापस जाओ, ये रास्ता बंद है। पर क्यों मैडम?
सारे पतियों ने अपनी बीवियों के पीटने के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला है। बहुत सही मोर्चा, आपको भी जाना चाहिए। मुझे तो इंटरव्यू जाना है, बस आगे से राइट मार के निकल जाऊंगा। राइट में रास्ता बंद है, पाइपलाइन वालों ने पूरा रास्ता खोद रखा है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने खुदाई की थी, वो टेलीफोन वाले थे, और जो पिछले महीने खोदा था वो गैस वाले थे। अरे बाप रे, दिन रात खुदाई, पर समझ में नहीं आता कि वो लोग खोद कर खोद क्या रहे हैं। अबे दिमाग खराब मत कर, चल भागे से। इसको रास्ते पे बिछा दो, डांबर लगेगा। लेफ्ट या राइट? सीधा चल। टाइम कितना हुआ? वैसे मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन घड़ी बंद पड़ गई। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, गाड़ी घुमा लो, आगे का रास्ता बंद है, पीछे से जाओ। काहे को सर? मिनिस्टर साहब का पीए इस रास्ते से आने वाला है। ऐसे पीए लिख ले, आप आम जनता को परेशान करेंगे। अरे हमको जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा हम लोग तो वही करेंगे ना, इतनी बहस क्यों कर रहे हो। वैसे एक बात बताइए सर, अगर आपको ऑर्डर मिला कि मुंह से नहीं कहीं और से खाइए तो? और एक शब्द बोला तो जेल में डाल दूंगा। ओके सर, निकल ले। ओके, लेफ्ट या राइट? राइट में ले। लेफ्ट का हाथ दिखा के राइट बोला। टेंशन में होना इसलिए बोला। ए, टेक डाइवर्जन, आगे नहीं जा सकते, वापस जाओ। चलो इससे भी पूछ लेता हूँ, ये डाइवर्जन किस लिए है सर? मुझे नहीं पता किस लिए है, रोज करते करते आदत ही हो गई है, नींद में भी यही बोलता हूँ मैं। ये तो ज्यादती है यार, देश की जनता आपसे सवाल का जवाब चाहती है सर। सर ये बहुत बोल रहा है, लगता है इसके पास बॉम्ब है। ए, तुम्हारे पास बॉम्ब है क्या? वही खोज रहा हूँ सर। क्या मतलब? जॉब खोज रहा हूँ, और क्या। तेरे को आखिर जाना कहाँ है यार? भिंडी बाजार में ABCD कंपनी में जाना है। अरे तो पहले बोलने को नहीं हुआ क्या? ये मैकेनिक रास्ता जानता है, अब तो अपन का कमाल देख, आंख बंद करके बैठ और वहीं पर खोलना। ठीक है, मैं धृतराष्ट्र। इधर इंच। देखा कितनी जल्दी पहुंचा दिया। थैंक यू मेरे भाई। ऑफिस का एड्रेस पूछ ले किसी का। ओके सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? तुम्हें भी मिलेगा, मुझे मिल गया है। इसे क्या मिला, इसे क्या चाहिए? इसको पैसे चाहिए होंगे। ओ, पैसे चाहिए, पहली पगार आते ही तुम्हें दे दूंगा। बाबा के दरबार में मिलेगा। बाबा? मैं बाबा के दर्शन करके आया हूँ। कौन से बाबा के दर्शन? भगभगिया बाबा के। मार्केट में नया बाबा आया क्या? ये लो बाबा जी का लड्डू। लड्डू? और तुम? मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था। भगभगिया तेरी यही कहानी, कहीं पर दूध कहीं पर पानी। क्या हो रहा है? ये सब मेरी बजाने पे क्यों तुले? आगे देख। अब आगे क्या है? हाथ में लड्डू दे दिया और वहाँ पे जलेबी जैसा राउंड राउंड लिखा है। जरा उसके ऊपर देख। ऊपर देखूं? 2 किलोमीटर करी अट। सुन, तू बैठ के ट्रांसलेट कर, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। बाबा से मिल के आता हूँ? हे ऊपर वाले, क्या मजाक बना रखा है? कहीं खुदाई चल रही है तो कहीं बड़े बड़े लड्डू मिल रहे हैं। नौकरी कब मिलेगी मेरे प्रभु? नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। भूख लगी, खा लेता हूँ। प्रॉमिस किया था ना तुमने, तो कहा था तुम उस लोफर को जानती तक नहीं। अब बताओ, इस तरह झूठ बोलकर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं पापा, वो एक अच्छा इंसान है। उसमें क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं मुझे मत बताओ। तुम उससे नहीं मिलोगी बस। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टेटस का नहीं है। मैं भी पहले इसी गलतफहमी में थी पापा, लेकिन जब मैंने उसे समझा समझ लिया ना, बस इतना ही काफी है। अब मुझे ना कुछ समझना है ना ही कुछ समझाना है। चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। जाओ अंदर, मुझसे ज़बान ना आती है। यमराज, राजेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो। श्वेता घर पर है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तुम जाकर उस हेलो हेलो धत। राजेंद्र, प्यार को तुम कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। अगर ताला लगाकर प्यार को रोका जा सकता तो दुनिया के सारे बाप इस काम के लिए एक 10x10 का कमरा जरूर बनवाते। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। खोलो। अरे रे रे रे, जरा देखो तो सही, रो रो कर आंखें लाल हो गई हैं। क्या इसी दिन के लिए तुमने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया था? यमराज तुम जानते नहीं। अब उठो बेटा, बाहर जाओ, जिससे चाहो मिलो, तुम्हारे फ्रेंड लवर जिससे चाहो जाकर मिल सकती हो। अब अगर इस जबरदस्ती करें तो मुझे फोन करो, मैं अपना नंबर देता हूँ 9211-4200। तुम फोन करना, मुझ पे भरोसा रखो। जाओ जाओ जाओ, ये कुछ नहीं कहेंगे, बड़े समझदार हैं। समझा दिया मैंने। विश यू ऑल द बेस्ट। कट्टीपुरम चलोगी? आइए बैठिए। आ
क्या हुआ? जाओ जाओ ना। नहीं जाओगी? तुम जिससे चाहो बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कोई दूसरा बात करेगा तो यही होगा। जाओ बेटा जाओ। इसको कहते हैं डर। ताला लगाने की जरूरत नहीं, घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, ये नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो इसलिए क्योंकि ये जान चुकी है कि राजा की हालत भी यही होगी। हर मर्ज का इलाज है यमराज। यमराज किससे मिलना है? अरे टेंशन मत लीजिए, घर पर राजा है क्या? वो नहीं है, सुबह से नहीं आया। आप लोग? मुझे नहीं पहचाना, हम उसके बहुत पुराने दोस्त हैं। किसी को भेजकर उसे बुला लीजिए, हम बैठते हैं। ए, चलो अंदर। आप उसके गैरेज चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आपसे जो कहा जाए वो करिए, किसी को भेजकर राजा को बुलाइए। ए तू किचन में जाके देख क्या बन रहा है। खुशबू मस्त आ रही है, तू फैन चालू कर रहे? टीवी भी ऑन कर। अरे जल्दी आना। अरे क्या लेके आया है? क्या बात है, आज तो चिकन बना है। ए डोंडू चिल्ला बोतल निकाल। अरे क्रिकेट देखने देना। अरे रे आउट हो गया। अभी जी जरा दो ग्लास दो ना प्लीज। ए राजू ये डर गई है, जाके तू दो ग्लास और पानी लेके आ जा जल्दी। लक्ष्मी क्या बात है? पता नहीं चाचा, चाचा देखिए घर में कुछ लोग घुस आए हैं और दारू पी रहे हैं और राजा को पूछ रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है कि ये लोग कौन हैं। प्लीज उन्हें यहाँ से निकालिए ना। घबराओ मत, शांत हो जाओ, हम लोग सब यही है ना। मैं चलकर पूछता हूँ, आओ। वो बेटा क्या है, स्कोर जानना है? 75 पे 3 विकेट गिर चुके हैं। नहीं बेटा, बात यह है कि यहाँ पे कई परिवार एक साथ रहते हैं और इनके पति भी कुछ देर में घर वापस आ जाएंगे। देख भाई राजा के आते ही चले जाएंगे हम लोग, इसे बोलो कि जल्दी उसे बुलाए। तू टेंशन क्यों ले रहा, जाके अपनी दाढ़ी बनाना यार, मारेगा घोट जबरदस्ती की उंगली। आप आ गए, देखिए पता नहीं ये लोग कौन है और राजा को पूछ रहे हैं। यहाँ क्यों आए हो? क्यों बे, अब तेरे को क्या तकलीफ हो रही है? एक शरीफ घर की लड़की को छेड़ने की जरूरत की है तेरे दोस्त ने। कौन? दोस्त ही है ना राजा तेरा, उससे बोलना कि ये हरकतें करना बंद करे वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। उससे बोलना कि यमराज के कोर्ट से निकला फरमान है ये, मान ले नहीं तो मरेगा। ए चलो रे साहब। ये क्या, आज आर्टिस्ट पढ़ाने नहीं गए? लगता है छुट्टी का मजा ले रहा होगा। ये बाइक को रास्ते पर क्यों खड़ा किया हुआ है? पता नहीं। अच्छा राजा सुन यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। ओके। चाबी भी यहीं लगी हुई है। अगर उसे बताया कि क्या हुआ था तो वो पता नहीं क्या कर बैठेगा, इसलिए चुप रहना, बिल्कुल चुप। और हाँ ए आर्टिस्ट, खुद को समझते क्या हो रहे तुम? इस एरिया के बारे में जानते हो ना, बर्बाद कर देंगे। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो? नहीं समझा, गाड़ी रास्ते में पार्क करके चाबी वहीं छोड़ा है, कहीं चोरी हो जाती तो। ये लो चाबी। ये लो लक्ष्मी, ये संतरे रखो और इसका जूस पिलाओ, आर्टिस्ट टेंशन में लग रहा है। ये स्मेल कैसी? कैसी स्मेल? अरे घबरा क्यों रही हो और डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ, आर्टिस्ट ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं, ये टीवी सीरियल कब खत्म होगा रे? हे गए? मुझे नहीं मालूम कौन आया था। कोई भी तो नहीं। कौन आया था? कौन आया था और तुम लोगों को क्या बोल के गया वो? कोई भी नहीं आया था राजा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूं। नहीं बताओगे ना?
पांच लोग लक्ष्मी आंटी के घर में बैठ के दारू पी रहे थे और वो लोग आते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और उन्होंने आर्टिस्ट को भी धमकी दी कि तुम्हें उस लड़की से दूर रहना होगा। उन लोगों ने कहा यमराज के आदमी है और वो लोग तुम्हारी मौत के इंतजार में हैं। आंटी का बनाया हुआ खाना भी खा गए। देखने में वो लोग गुंडे जैसे थे। क्या सुनने में आता क्या? बोलना रुकने को। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? श्वेता, रुको। मैंने कहा चला। श्वेता, राजा तुम्हारा बाप कहाँ है? लेकिन उसने तुम्हें बंद करके रखा ना। डरो मत, तुमने उसे हमारे प्यार के बारे में बताया था? वो नहीं मान रहे राजा। सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। मुझे मालूम था कि वो तुम्हारी शादी एक मैकेनिक के साथ कभी नहीं होने देगा। कहाँ है तुम्हारा बाप? मेरी बात वो सब छोड़ो, तुम्हारा बाप कहाँ है? फर्स्ट मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज ऑथेंटिक। कौन है रे यमराज? यमराज 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 कौन है ये यमराज? देख, अगर तेरे को अपुन से कोई प्रॉब्लम है तो अपुन से डायरेक्ट बात करने का, समझ गया ना? कहाँ है वो डर छाना? हैं? जवाब दे। अब उनका नाम है राजा। कौन है यमराज? कौन है यह यमराज? देख, अब उन अकेला तेरे एरिया में आया है। अकेला भिड़ेगा या इन कुत्तों से भिड़वाएगा? फैसला कर ले फैसला। क्या रे, तू है यमराज? यमराज है तू या कोई और? तू है यमराज? ए बोलना। ओहो, तो वो तू है, तेरा नाम यमराज है। ए क्या? मैं इधर हूं। तो तू है यमराज, ये बता ना, तू मुझे जानता है और ना मैं तुझे जानता हूं, तो फिर क्यों पंगा लेता रे? किसी और की बेटी से प्यार करता तो तू क्यों उंगली कर रहा है? क्यों रे कॉकरोच की औलाद? किसी और को अपुन से प्रॉब्लम है तो ये फिर क्यों ले रहा है? मेरे और इसके बीच तू पंगा क्यों ले रहा है? क्या वफादारी दिखा रहा है? ए सुन, अगर तेरे को आग से खेलने का इतना ही शौक है तो तू अपुन से खेल कर देख। क्या किसी के घर में जबरदस्ती बैठकर दारू पीकर किसी को धमकी देकर खुद को मर्द समझता है? अपुन के थिएटर में अपनी फिल्म मत चलाना, नहीं तो काट कर रख दूंगा। यमराज, तू होगा यहाँ का डॉन, लेकिन तू अपुन के लिए सिर्फ जमीन की धूल है। ये याद रखना कि ना तू मुझे जानता है और ना ही मैं तुझे जानता हूं। रास्ता मत काटना। पहचान बदल जाती है, रंग बदल जाता है, इस बदलाव के चक्कर में संसार बदल जाता है। अगर इरादों में शोले हों तो सब जलकर राख हो जाता है, लेकिन वो प्यार ही है जो मरने को चला आता है। ये बेचारा प्यार कमा रहा है। ये भी कमाल है यार, इश्क में आदमी का दिमाग घास चरने चला जाता है। यू ठीक कर दूंगा। उसका सर काट के ले आऊं बॉस। अच्छा, तुम उसका सर काट लोगे? तुमने उसकी हिम्मत नहीं देखी? ये इसे काबू में करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तुम्हें टेढ़ा कर देगा। यार समझ में नहीं आता, मेरा नाम यमराज किसने रखा? वॉशिंग पाउडर निर्मला, वॉशिंग पाउडर निर्मला, दूध जैसी। डॉक्टर साहब, कार खराब हो गई है क्या? चलिए मैं आपको क्लिनिक छोड़ देता हूँ। नो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, यू गो।
अरे वकील साहब, कोर्ट जा रहे हो? आइए गाड़ी में बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नो नो, मैं वकील नहीं हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तुम जाओ। ओके, गो गो। जॉबलेस फेलोज, तो इस सफेदी की चमकार की दुनिया में बहुत इज्जत है, इसलिए राजकुमार सर और जितेंद्र सर हमेशा सफेद कपड़े ही पहनते थे, तो आज ये सफेदी की चमकार वाली ड्रेस मुझे अच्छी नौकरी जरूर दिलाएगी। ए, रोक रोक, भागता का है? रोक, पैया पकड़। ये देख, तूने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया। छोड़ दो मुझे, मुझे भागना है। ए, जिंदगी में हर किसी को भागना पड़ता है, मैं भी इंटरव्यू के लिए रोज भागता हूँ। चल अपनी शर्ट उतार के दे। सर जाने दो, वरना आप पे मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत तो... क्या आएगी, वो तो मेरा दूसरा नाम है। इंटरव्यू के लिए जा रहा था नहा धो के, सफेद सफेद कपड़े पहन के, तूने गुड़ गोबर कर दिया। चल अब अपनी शर्ट उतार के दे मुझे। ठीक है, मेरा शर्ट चाहिए ना। ऐसे लोगों की तादाद बढ़ जाएगी तो चोरी बंद हो जाएगी। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, बस बदबू आ रही है। पिछले साल ही धोया था, ऊपर से बोलते हो बदबू आ रही है। सर कुत्ते ने शायद चोर की गन पकड़ ली। ओके फॉलो करो उसे। ओके ओके, इट्स ऑल राइट, मैं ऐसे छोटे मोटे काम करते रहता हूँ। वैसे इंटरव्यू के पहले मुझे नहाना है। चल के अपने ससुराल में नहा लेना। अरे वही चोर है जिसने दुकान से सामान चुराया था। सर ये तो वैसे ही है जैसे हमें हुलिया दुकानदार ने बताया था। अरे भेष बदल के हमें चूना लगाना चाहता है तू? सर यू आर रॉन्ग सर, मैं कोई पान वाला नहीं जो चूना लगाऊंगा। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रहा था। ये शर्ट भी मेरी नहीं है सर, ये देखिए, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू। सर आटू तो चोरों का कोड है। करेक्ट, इसे अरेस्ट करो। सर आपके कुत्ते ने गलत जगह नाक घुसाड़ दी। आज तक हमारे कुत्ते ने कोई गलती नहीं की है, अब तक 99 चोर पकड़ चुका है वो, और आप लोगों ने एक भी चोर नहीं पकड़ा। तीनों दिन बहुत शुभ है, 27, 28, 29, 27। ओके क्यों, ठीक है ना? हा? क्या हो? ठीक है, छाप दो। क्या छापूं? लड़के का नाम राजा है, लड़की का नाम श्वेता है, और दोस्तों के सामने 27 तारीख को आर्य समाज मंदिर में शहनाई बजाएंगे, और इनके पापा और वो यमराज आशीर्वाद देकर हम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगे। हाँ, बुलाने वाले हैं अशोक, महालक्ष्मी और दोस्त। ये प्रिंट करूं? नहीं तो क्या, मजाक कर रहा हूँ। मंगलसूत्र है? किस तरह का चाहिए आपको? जो गले में पहन सकें। मजाक मत कीजिए, आपको कैसा मंगलसूत्र चाहिए ये तो बताइए। कैसा क्या, अलग होता है क्या? लव मैरिज है। हाँ, हमें अलग करने का इरादा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र घर के किसी बुजुर्ग को खरीदना चाहिए। अब मैं बुजुर्ग की तरह से लाऊं? अपन तो अक्का जिंदगी से अनाथ है। आप अपने बेटे को शादी में जो देते वो दे दीजिए, जिससे सब अच्छा हो वैसा मंगलसूत्र चाहिए हमें। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मैंने बैठने को कहा क्या? सॉरी सर। 5 इंटरव्यू लेटर्स भेजने के बाद आ जाए हो? सर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाया सर, फाइनली पहुँच ही गया। कहाँ से आए हो? भिंडी बाजार से सर। वहाँ भिंडी मिलती है? भिंडी भी मिलती है और शिंडी भी। तुम्हारा नाम? चिंतामणि। चिंता बहुत करते हो? मनी के लिए चिंता करता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मामा। ये कौन सी डिग्री है? अगर मैं कहता कि मैंने 2 बार एमए किया है तो शायद आप हंस देते, तो मैंने दोनों को मिलाकर मामा कह दिया। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत आसानी से मिल गई सर। इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है, मान लो अगर आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? सर ये तो अपशगुन होगा सर, पहले दिन आग। शट अप, ये बताओ ऑफिस में आग लगने पर तुम क्या करोगे? वो ऑफिस में 2-2 फोन है सर, फायर ब्रिगेड को फोन करूंगा और वो आकर आग को बुझा देंगे। समझ लो कि दोनों फोन खराब हैं। ओ तो क्या हुआ सर, ये देखिए यहाँ पर सेलफोन भी है ना, इससे फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा और वो आकर आग बुझा देंगे। इसका बिल नहीं भरा था इसलिए आउटगोइंग बंद है। ओ हाँ, अभी अभी ऑफिस के बाहर मैंने देखा था सर, वहां पर 3 लाल रंग की बाल्टियां टंगी हुई हैं और उसमें भूरा भूरा बालू भरा हुआ है, मैं उसे यहाँ पर लाकर यहाँ लगी आग को बुझा दूंगा। मान लो उन बाल्टियों में भूसा भरा है तब क्या करोगे? भूसा? हाँ, यहाँ बाथरूम है ना सर, उसके नल में पानी आता होगा, मैं बाल्टी बाल्टी पानी लाऊंगा और उससे आग बुझा दूंगा। पानी का बिल नहीं भरा है, पानी नहीं आता है, अब बोलो। पानी नहीं आता है सर, लिफ्ट है ना। मैं लिफ्ट से नीचे जाऊंगा और बिजली का बिल नहीं भरा, लिफ्ट बंद है। आया था तब चल रही थी। फिर क्या करोगे? सर मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊंगा और सिक्योरिटी को बोलूंगा, वो पब्लिक फोन से फायर ब्रिगेड को बुलाएगा और वो आकर आग को बुझा देंगे। ये नहीं हो सकता। क्यों सर? सिक्योरिटी को सुनाई नहीं देता और 6 बजे के बाद तो उसे दिखाई भी नहीं देता। दिमाग की बत्ती बुझ गई। जल भी गई सर। सर मेरे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे चलना चाहिए। श्योर। क्या रे,
बहुत बोलता है तू, फोन आउट ऑफ ऑर्डर है, सेलफोन का बिल नहीं भरा, ऑफिस की बाल्टी टूटी हुई है, उसमें भूसा भरा हुआ है, बाथरूम में वाटर टैक्स नहीं भरा तो पानी नहीं है, बिजली का बिल नहीं भरा है, लिफ्ट चलती नहीं है, सिक्योरिटी वाला दिन में सुनता नहीं है, और 6 बजे के बाद तो उसे दिखाई भी नहीं देता है ना। ये ऑफिस नहीं कचरा घर है, इससे अच्छा होगा कि इस ऑफिस में सचमुच की आग लग जाए। अब क्या करेगा? हाँ फायर फायर फायर, कोई पानी लो, बुझाओ आग बुझाओ, अरे कोई लिफ्ट बुझाओ, अरे कोई फोन करो। बीड़ी जलाई ले टेबल से पिया, टेबल पर लगी आग है। क्या हुआ, अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? मेरी सुलगा रहा था, उसकी जल गई। यश ब्रेकफास्ट। तुम जाओ। कब है शादी? नहीं पापा। सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे प्यार से नाश्ता खिला रही हो, यहाँ मेरे सामने चुपचाप खड़ी हो, मुझे सब समझ में आता है। चलो बताओ कब है शादी? वो पापा, तौर पर बाप अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटता है, पर मैं पहला फादर हूँ जिसे उसकी बेटी ने शादी का कार्ड दिया होगा। ग्रेट। नहीं पापा, आपकी मंजूरी के बिना। मंजूरी चाहिए? भूल जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो ना, अपनी शादी का कार्ड छपवा कर पहले मुझे चैलेंज किया, अब मेरी बेइज्जती करवाओगी? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मेरी बेटी एक मामूली मैकेनिक से शादी करेगी और मैं ये होने दूंगा। अब देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ वो क्या करता है। ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, मेरे जीते जी हरगिज नहीं। जय गोविंदा, जय गोपाला, 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 जय गोपाला। देख अपुन को तेरी पूजा नहीं आती है, वो लक्ष्मी कहती है कि शादी से पहले मंदिर में जाना अच्छा होता है, इसके लिए जा गया। श्वेता अच्छी लड़की है, अपुन बहुत प्यार करता है, थोड़ा ध्यान रखना। ओम श्री गणेशाय नमः। नाम और गोत्र बोलिए। नाम तो राजा है, पर जब ये नहीं जानता कि नाम किसने रखा तो गोत्र क्या बताऊं। बस जिंदगी खुशहाल बीते ऐसे मंत्र पढ़ दीजिए। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु महाराज की है। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे बढ़िए। ओम
हाँ बॉस, टकलू बोल रहा हूँ, उठा लिया इसे। गेम बजा दू कि खाली फोड़ के छोड़ दो? हाँ मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, भीगी बिल्ली बन के खड़ा है साला, घूर रहा है मेरे को। श्राद्ध करने चला था यमराज का, उसी की चिता सज गई, उसका ही सर्वनाश हो गया। ये हमारे लोग 500 के लिए भी मर्डर कर देते हैं। जरा वो देखो। ए, अपने लड़कों से बोल के उसका क्रियाक्रम कर दें और नहा धोकर शुद्ध होकर ड्यूटी ज्वाइन करें। तेरे को अपुन का बॉडी मांगता था ना, पासा पलट गया, देखना है। ए, देख लिया तूने? पहचान करके देख ले ये तेरे ही कुत्ते हैं या किसी और के हैं। गिनकर देख ले, पूरे हैं या कुछ कम रह गए। हे यमराज, अपनी औकात में रह, समझा क्या? किसी और के लफड़े की वजह से अपुन से पंगा मत ले। जहर बुझी छुरी हूं, खरांच भी लगी ना तो मर जाएगा, समझा क्या? नहीं, मैं फिर कहता हूं कि अपुन के बीच में कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ये याद रखना, नहीं तो जान से जाएगा। तू बाज नहीं आएगा। ए, तू बोलता है अपुन करता है, ये तेरी बाजी थी और तू खुद पलट गया। अगर अपुन अपनी औकात पर उतर आया ना तो तेरे को और तेरे आदमियों को चुन चुन कर मारूंगा। और अगर एक बार डिसाइड कर लिया, काम तमाम होने तक अपुन दुश्मन की छाती पर डांस करता रहता है,
तैयार है ना? ए, उतारो मुझे, उतारो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या बात है राजा? देखो क्या लाया हूँ, नोटिस, शादी का नोटिस। अब उन पहले जैसा नहीं रहा, फैमिली मैन बन गया हूँ। ये अच्छा है, फैमिली मैन वाला दूल्हा बढ़िया है। देखो कैसे शर्मा रहा है। वो सब तो ठीक है, पर खाने में क्या है? लड़के का नाम राजा है, जिसकी श्वेता नाम की लड़की से आर्य समाज मंदिर में दोस्तों के सामने 27 तारीख को शादी होगी। श्वेता के पापा की ओर से सभी आमंत्रित हैं। हमारी तरफ से स्वागत करेंगे अशोक और नागलक्ष्मी। मैं बहुत खुश हूँ राजा, जब वो ये देखेंगे ना तो खुशी से उछल पड़ेंगे। राजा वो कब आएंगे? कौन? अशोक और कौन? तुम्हारे आदमी उन्हें यहाँ से ले गए थे, तुम्ही ने तो बुलाया था ना? करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ। अपुन नहीं बुलाया था, तुम्हें बताने वाला था कि मैं उन्हें शुक्रिया। पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। मैं तो डर ही गई थी जब तुमने कौन कहा, तुम ही ने भेजा था ना उन्हें, तो ठीक है। तुम फिक्र मत करो, कल सुबह आ जाएंगे। डरो नहीं लक्ष्मी, थोड़ा अर्जेंट था इसलिए तुमसे बिना पूछे मैंने भेज दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी, वो तुम्हारे काम से गए हैं, शादी में बहुत काम होते हैं। क्या मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ? हाँ चलो खाना खा लो, तुम लोग भी खा लो। नहीं हमें कहीं जाना है, हम लोग वहीं पर खा लेंगे, तुम खा लो और सो जाओ। आओ चलो। लक्ष्मी हा? दरवाजा बंद रखना और उसमें ताला जरूर लगा लेना। डरना नहीं, हम बाहर ही हैं, जरूरत हो तो बुला लेना। ठीक है। अपना ख्याल रखना और आर्टिस्ट आ जाएगा। अच्छा। ए क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों है? कुछ भी तो नहीं। ए छोटू इधर आ। क्या हुआ राजा? बाबू घर पर हो तो उसे बुला ला। ठीक है। लेकिन क्यों? तू जा ना। बात क्या है? ये अपन को कुछ बता क्यों नहीं रहा है? ए, आखिर बात क्या है? आर्टिस्ट को तूने कहाँ भेजा है? मैंने भेजा है, आ जाएगा। हाँ तूने भेजा है लेकिन कहाँ भेजा है? राजा। अरे आप क्यों आ गई? तो क्या मजाक कर रहा है, दो लोग शाम को आए थे, उन्होंने कहा कि तूने बुलाया है तो बाबू उनके साथ चला गया और तू उसी के बारे में पूछ रहा है। ए, अब मार खाएगा तू। मैंने बाबू को कहाँ बुलाया था? बोला था भोलू को दुकान पर देख कर आ, कोई काम ढंग से नहीं करता। अपुन उसे कहीं भेजा है, कल सुबह तक आ जाएगा वो। आप जाके सो जाइए, जाइए। तुम भी हद करते हो, पूरी रात बाहर भटकते रहते हो, ये ठीक है क्या? ए, जा तू। ए, बाबू को तूने ही बुलाया था? हाँ बाबा मैंने ही बुलाया था, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं उसको। तुम लोग जाओ यहाँ से। पर क्यों? अरे कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ यार। नहीं संभल कर जाना। है? क्या? अरे अपुन का एरिया, अपने को क्या होगा। हाँ जाओ। चल। गोपी, गोपी। क्या बात है? गोपी को बुलाइए। अरे अभी तो तेरे दोस्त आए और उसे बुलाकर अपने साथ ले गए, पहुंचा नहीं क्या? छोड़ू, गोपी आया था क्या? नहीं तो? नहीं है? वो तो नहीं आया। हेलो। हेलो। मैं राजा बोल रहा हूँ, कृष्णा है क्या? हाँ कृष्णा बोल रहा हूँ, बोलना क्या बात है? तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। तो बहुत खूबसूरत लग रही है, शाम को क्या कर रही हो? सुनिए वो कृष्णा यहाँ पर था। एक्सक्यूज मी, आप कौन? राजा। अभी तो आपने फोन किया था कि आप नीचे इंतजार कर रहे हो, अभी तो गया, आपको नहीं मिला क्या?
वेलकम, आइए आइए। नमस्कार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। श्वेता, देखो तो कौन आया है। बोलो क्या पियोगे, कॉफी? बेटा, इसे कॉफी नहीं पिलाओगी? क्या सोच रहे हो तुम? आओ बैठो ना, प्लीज प्लीज बैठो। मैं तुमसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन तुम मुझसे मिलने आए, मुझे अच्छा लगा। रुको बेटा, इनके लिए कॉफी मैं खुद बनाऊंगा। प्लीज पियो ना। क्यों, ठीक है ना? इतना ही काफी है या और भी कुछ चाहिए? उम्मीद है काफी होगा, कम हो तो बता देना, बढ़ा देंगे। वैसे मैंने कार्ड देखा, देखकर सुकून मिला। तुम दोनों साथ बैठकर हनीमून की प्लानिंग कर लो। पापा थैंक्स, आप मान गए। अरे बेटा, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी प्यारी है। वो जरूरी है ना दामाद जी? क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? खुश हो ना। हमें कोई जल्दी नहीं, आराम से सोच लो। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं। राजा, तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी बेटी शादी नहीं कर सकती, यही कहना चाह रहा है? राजा, पापा मान गए हैं, ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे खाक मान गए, तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें कुछ और ज्यादा चाहिए? अगर तूने कुछ ज्यादा किया ना, तो अपनी असली औकात दिखा दूंगा तुझको मैं। पता है हमारी शादी से सबसे ज्यादा कौन खुश थे? मेरे चारों दोस्त। मुझसे मुंह की खाई तो उन्हें उठवा लिया, उन बिचारों का क्या कसूर था? तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। मैं अनपढ़ हूं, गरीब हूं और बिना माँ बाप का भी हूं। इनकार करने की यही वजह है ना? अरे तुम खुद को पढ़ा लिखा कहते हो, शर्म नहीं आती? जान ले, अगर हमें दोस्ती का फर्ज निभाना आता है तो दुश्मनों का चीरना भी आता है। आमने सामने से वार करता हूं मैं। पीठ पर छुरा भोंकना अपुन ने नहीं सीखा, सिर्फ अपुन को ही नहीं, अपुन जैसे किसी को नहीं आता है। हम लोग अपने कपड़ों से गंदे जरूर दिखते हैं, पर दिल में हमारा पवित्र भगवान बसता है, साफ और शुद्ध। हमारे बीच फर्क पैसा नहीं करता, इंसानियत करती है। अरे अपनी बेटी की खुशियों को जो बाप नहीं समझ पाया, जरा सोचो वो कितना गरीब होगा। एक बात और सुन ले, तेरी मर्जी के खिलाफ अपुन इससे शादी नहीं करेगा, ये अपुन का वादा है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अपने प्यार की कसम खाता हूँ। राजा। और हाँ, जैसे अपुन ने तेरी बेटी को लौटा दिया है, शाम तक अपुन के दोस्त भी घर लौट जाने चाहिए। जिंदगी एक पहिया है, कब जीतने वाला हार जाए और हारने वाला जीत जाए पता नहीं चलता। शाम तक का टाइम है तेरे पास। भैया, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, मेरे भैया कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम घर जाओ। लेकिन कब? वो कल सुबह तक या कल शाम तक आ जाएंगे। क्या हुआ, हिचकिचा क्यों रहा है? अरे बेटा, तू मेरे बेटे जैसा है, मुझे सच सच बता दे, वो कहाँ गया है? वो रात को चाहे जितनी देर से भी घर आए, चाहे रात को 2 बजे आए, उसको डांटे बिना, उसको खिलाए बिना मुझे नींद नहीं आती। वो कहाँ है बेटा? फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएगा। भैया गलत मत समझना, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। प्लीज भैया, हमें सच सच बताइए, मेरे पति घर कब आएंगे? चुप क्यों है? क्या उन्हें कुछ हुआ है? नहीं चाची, वो आ जाएगा, मैं खुद लाऊंगा। उन्हें खुद लाएगा? कहां से लाएगा? नहीं जानता,
कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा हूं। मैं तो उनसे अकेले ही लड़ने गया था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो दोस्तों को किडनैप कर लेंगे। क्या कहा? मेरा बेटा किडनैप हो गया है, उसके बिना हम मर जाएंगे। नहीं चाची, नहीं, चाहे जान भी लगानी पड़े अपन उसको वापस लाएगा, मेरा भरोसा करो। तुम पर तो हमेशा से भरोसा है बेटा, लेकिन तुम उनसे अकेले तो नहीं लड़ सकते ना। जानता हूँ चाची कि मैं अकेला हूँ, पर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस एक दिन मेरी खातिर हिम्मत रखो, कल तक आपके बच्चे और मेरे सारे भाई यहीं होंगे, आपकी कसम। उन सबको छोड़ दो। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? हड्डी पसली एक कर दूंगा। मेरे भैया कब आएंगे? बोल ना राजा, मेरा बेटा कहाँ है? लड़की घोंसले के साथ उड़ गई और तुझे यहाँ फड़फड़ाने के लिए छोड़ गई। मैं तेरे पंख कतर दूंगा। मेरा बेटा किडनैप हो गया है, उसके बिना हम मर जाएंगे। बस बहुत हुआ, मेरे दोस्तों का मेरे प्यार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मेरे पति घर कब आएंगे? तो चाहे तो मेरी जान ले ले, पर उन लोगों को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। मेरे सारे भाई यहीं होंगे, आपकी कसम। इसी के इलाके में फेंक दो जाकर। राजा, क्या हुआ राजा? ए राजा, उठ, उठ, देख हम लोग आ गए, उठना राजा। राजा, तुम लोग ठीक हो? कितनी चोट लगी है? मैं यही चाहता था। कैसे? वो सब छोड़ छोड़ आर्टिस्ट, तुम सब ठीक हो? लक्ष्मी, आर्टिस्ट आ गया ना? राजा, चाची आ गया। ए, तेरा भाई आ गया। लो, तुम्हारा बेटा आ गया। सब अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा। ये मुझे चल, मेरे घर चल। ए आर्टिस्ट, लड़की का बाप अपनी बेटी को दुनिया की सारी दौलत देना चाहता है, लेकिन उसकी लड़की की असली खुशी किस में है ये क्यों नहीं समझ पाता? क्यों क्यों नहीं समझ पाता राजा? नहीं आर्टिस्ट, मुझे अकेला छोड़ दो। खुश रहो, मस्त रहो, सबके साथ अच्छा होगा। ये वापस इधर क्यों आया? ठिकाने लगा दो उसे। मैं चाहूंगा तो इस जगह को कब्रिस्तान में बदल दूं, पर इसके लिए नहीं आया अपुन। अपने भाड़े के टट्टुओं से कह दे कि मुझसे ना उलझे, नहीं तो उनकी लाशें गिरा दूंगा।
खुद को देख, आंखों में डर झांक रहा है। सोच रहा है ना कि इतना पिटने के बाद मैं वापस फिर यहां क्यों आया? तुझे डर है कि अब मैं क्या करूंगा? क्या है? तुझे मिर्ची लग रही है? तू भी ऊपर एक लाइट फोड़ना चाहता है जैसे उन्होंने किया? मजा लेना। वेट, अभी दिलाता हूं। प्यार करने वाले को जुदा कर लिया ना, क्या मिल गया तेरे को? किसी चौराहे पर ऊंची मूर्ति लग गई क्या? तेरे को घमंड है कि तेरे काले कारनामे सरकार नजरअंदाज करती है और तू बिंदास गाड़ी में घूमता है। अगर सरकार बदल गई तो वो तुझे कुत्ते की तरह घसीट कर मारेंगे। इनमें से एक भी तुझे बचाने नहीं आएगा, कौओं की तरह धमाका सुनते ही उड़ जाएंगे। चल भाषणबाजी बंद। तुझे मेरे वापस आने पर ताज्जुब था ना? अपुन को लगता है कि तू अच्छा आदमी है और अपुन तेरे को थैंक्स बोलने के लिए आया था। जानता है काय को? अपुन चाहता तो तुझे कब का टपका देता। तू भी अपुन के दोस्तों को मार सकता था, पर तूने अपने वादे के मुताबिक अपुन के दोस्तों को एक जरा सी खरोंच तक नहीं आने दी। तेरी यही बात अपुन को बहुत अच्छी लगी। पराए लोगों के लिए तूने अपने आप को खतरे में डाला। इस गंदे धंधे में भी तेरी ईमानदारी अपुन को छू गई रे। अगर तू दो मिनट के लिए भूल जाए कि तूने पैसों के अलावा कभी भी खुद के लिए हत्या, फिरौती, डकैती कुछ भी किया है, तूने कभी प्यार किया है क्या? अरे करता तो खून ही नहीं बनता। और गलती से कोई चाहने वाली होती ना तो शायद तू ये धंधा ही नहीं करता। तूने अपुन से अपनी देवी छीन ली पर अपुन के दोस्त वापस कर दिए। अपुन सलाम करता तेरे को। तू ऐसे दोस्त बना जो तेरे लिए अपनी जान तक दे सके। अगर ये मुमकिन नहीं है तो दुश्मन बनाना बंद कर दे, क्योंकि वो तेरी जान के पीछे पड़े हैं। एक बात और बता दूं, अपनी जिंदगी में कभी किसी आशिक को मत छेड़ना, क्योंकि हर कोई राजा जैसा नहीं होता। चलता हूं। असली 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 मर्द है तू, असली मर्द। अगर इसके जैसा मुझे कोई पहले मिला होता तो मैं इस शहर का हुलिया बदल देता। हिम्मत की जीती जागती इमारत है यह लड़का। मेरे इलाके में आके मुझ जैसे को चैलेंज किया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के मुझे बेइज्जत करके रख दिया। मैंने तुझसे पंगा लेकर गलती कर दी। तू सचमुच सचमुच बहादुर है। बंदूक, चाकू और डंडे से तो कोई भी मार सकता है, पर इसने शराफत की चप्पल से मारा मुझे। तू है एक शेर का बच्चा। इसने मेरा दिल जीत लिया, छोड़ दिया, आज से सब छोड़ दिया। कितना सच बोला रे तू। अगर मेरी जिंदगी में मुझे कोई चाहने वाली होती, सच बोला, अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता, मुझे संभालता, मुझे समझता और मैं ही उसकी जिंदगी होता तो मैं ऐसा कभी नहीं बनता। जो भी किया वो कभी नहीं करता, रिश्तों की अहमियत को समझता। छोड़ दो सब, सारे धंधे बंद कर देंगे बॉस, तुम जाओ। ए, जाने दो ना उसे, जाने दो ना बोला। चौंक क्यों गए? ए, तुमने कहा कि वो असली मर्द है, हम उसे क्यों मारे? हाँ, मुझे पहले से मालूम था कि छोकरे से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, तो फिर कोई तो मरेगा ही ना। क्यों, तूने तो अब हथियार नीचे रख दिए, तो मैंने सोचा कि वो हथियार अब मैं ही उठा लूं। क्यों, ठीक है ना? हाँ, मार दो। ए, अरे, अरे, मैं तेरा बॉस हूं। मौज आ गई। ऐसे क्या देख रहे हो? मारो उसे। ए, मारना। ये भी अच्छा मजाक है, जब भी तुम किसी को मारते हो मैं टपक पड़ता हूं। ए, अपुन ने फिल्मों के अलावा कभी सामने मर्डर होते नहीं देखा है। चल करके दिखा। तुम लोग बंदूक बंदूक नहीं रखते क्या? ए, तू इसको मार, मैं देखेगा। यमराज, सांपों को दूध पिलाकर पालने का रिवाज तो सुना है, पर तूने यमदूतों को सिगरेट पिला पिला कर पाला। ए, सिर्फ अपुन से नहीं, इससे भी दुश्मनी तेरे को महंगी पड़ेगी। ए, क्या रे, चौपर पकड़ना भी नहीं आता तेरे को? मजबूती से पकड़ और इसे उठा के गर्दन पर मार, एक ही वार में दो टुकड़े। डर गए क्या? ये तैयार है, मार पकड़।
मार मार ना। पीछे से वार करने वाले को अपन हाथों से नहीं लातों से मारता है। हेलो, तुझे हाथ लगाना भी पाप है। आओ आ जाओ। देख लिया, इसने मेरे पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया और ऐसे खड़ा है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। देख रहे हो ना, जाओ दामाद से मिलो, पहाड़ जैसा शक्तिशाली तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा पति इस जन्म में नहीं मिलेगा। तुम्हारी इतनी दौलत, मेरी इतनी पावर क्या है, इसके सामने कुछ भी नहीं। जब कोई हारा हुआ हो तो उससे जीतने का मजा नहीं है। लो, जिस खुशी से एक बाप अपनी पैदा हुई बेटी को पहली बार गोद में लेता है, उसी खुशी से उसे अपनी बेटी को विदा भी करना चाहिए। अगर जरा भी घमंड आया, जिंदगी खत्म। किसी को दुख पहुंचा अगर शादी नहीं करूंगा, खासकर एक बाप को। तुम इमोशनल आदमी हो, इसके लिए मुझे समझे नहीं। पता है, शुरू में ये भी धोखे में थी और ये आज समझ पाए, एक दिन तुम भी समझोगे। मैं बाप बेटी को जुदा नहीं करना चाहता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं परिवार ना होने का दुख जानता हूं। चलता हूं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।